हेलो दोस्तों आप सभी लो, लोग यदि का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कर लें और यदि आप लोग फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो जितने भी कोर्स आपके लॉक हैं वो सारे अनलॉक हो जाएंगे यदि आप कोड यूज करते हैं यदि आप सब्सक्रिप्शन चाहते हैं या आप प्लस कोर्स चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा प्लस कोर्स परचेज करना होगा जो कि आपको वन ईयर टू ईयर का सब्सक्रिप्शन दे रखा है वन ईयर टू ईयर के सब्सक्रिप्शन में आपको

लर्निंग ऐप को आज ही प्ले स्टोर पर विजिट करके डाउनलोड करें और यदि आप प्लस कोर्स चाहते हैं यदि आप कोर्स परचेस करना चाहते हो तो कोर्स की ये फीस स्ट्रक्चर है आप लोग रेफरल कोड यदि ये यूज करते हैं बच्चों तो आपको 10 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा आपको पैंसठ सौ का जो ट्वेल्व मंथ का है ये आपका हो जाएगा अट्ठावन सौ पचास रुपए का समझ गए तो आप आज ही परचेस करें वन ईयर और टू ईयर का ही परचेस करें क्योंकि आप लोगों को सारे एजुकेटर के वीडियो मिलते हैं इन्हें देखने के लिए आपको एक लिमिटेड टाइम चाहिए चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं थर्टी सेकंड आपकी स्क्रीन पे है। जल्दी से बताएं आंसर क्या आएगा थर्टी सेकंड है बताइए जल्दी से आंसर क्या आएगा फटाफट गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून जल्दी से बताए आंसर क्या आएगा बच्चों फटाफट फड़ बताए देखो तो तीन की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी होगी जो कि तीन से विभाज्य तीन के विभाज्यता का नियम क्या होता है बेटा ये तीन के विभाज्यता का नियम ये होता है कि जो संख्या है उनका सम किससे हो तीन से क्लियर बच्चों जिनका सम किससे हो सेवन कई लोगों ने आंसर दिया है आ, साकेत ने दिया है और रवि सभी लोग ट्राई करें बच्चों देखो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं जैसे पांच है गुड़े सात है गुड़े नहीं एक्स है नाइन है थ्री है फिर फोर है देखो नौ कट रहा है तीन से इनका सम अब देखो तीन कट रहा है पांच चार नौ कट रहा है सात बच रहा है तो सात एक्स एक्स ये तीन संख्या भी तीन से नौ नौ अठारह सात पच्चीस नहीं कटेगा देखो रखने पे कट रहा है। साथ, 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 ती रहा है है यदि तीन बार लेते हो हो तो ये से इट्स मीन जो आपकी एक्स की वैल्यू है क्या होगी सात ऑप्शन बी इज राइट आंसर बेटा सबको समझ में आया कि नहीं बिल्कुल सबने सही आंसर दिया हमें क्या करना है कि इनकी डिजिटों का सम करना ध्यान से समझना इनकी जो डिजिट है उनका सम हमें किससे डिवाइड करना है बच्चों हमें डिजिट का जो सम है वो डिवाइड करना है सात से तीन से तो ये जो डिजिट दे रखी है हमने लिखा पांच एक्स नौ तीन एक्स फोर देखो सम डिवाइड करना है तो देखो ये तीन है ये तीन कट रहा है ठीक है नौ कट रहा है तीन से पांच चार नौ कट रहा है सात ये बचा दो एक्स सात यहां सात सात चौदह यदि इसकी जगह सात इसकी जगह सात लिख देते हो सात सात चौदह सात इक्कीस ये भी तीन से कट रहा है इट्स मीन आप कह सकते हो एक्स की वैल्यू क्या होगी तीन आते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन ये जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो आरआरबी के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ये सीरीज आप लोग बोलोगे तो बिल्कुल मैं कंटिन्यू रखूंगा जल्दी से बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा थर्टी सेकंड है आपके पास इसको ट्राई करो क्या सर फोर से भी हो सकता है देख लेते हैं इसको ट्राई करो देखो यहां कह रहा है कि सात की पावर उन्नीस से कम से कम संख्या से विभाज्य होगी देखो आपको एक बात बता दें यहां पे जैसे सात की पावर उन्नीस है बच्चों ये विभाज्य किससे होगी उनचास से इक्कीस से, 21 से सात से छ से कोई बोल रहा पांच से देखो जब भी आपको कोई संख्या ए है ध्यान से समझना है बेटा आप लोगों को जैसे आपको कोई भी नंबर है कोई भी नंबर है जैसे मान लिया ए की पावर है और ये एक क्या है ध्यान से देखना है यदि आपकी पावर विभाज्य है ये किससे विभाज्य है संख्या सात से एक से उनचास से किससे जैसे आपको लिखा है ए की पावर एन माइनस वन ऑलवेज डिविजिबल बाई ए माइनस वन क्लियर है कि नहीं ए की पावर एन माइनस वन ऑलवेज डिविजिबल बाई वन माइनस वन समझ गए ना तो ये संख्या कितनी है सात सात की पावर उनचास तो ये आपका बन गया सात की पावर उनचास माइनस वन तो सात माइनस वन इससे छह से विभाज्य होगी बेटा समझ में आया कि नहीं से एक कम संख्या है से एक कम संख्या मतलब आपसे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सात की पावर ध्यान से समझना सात की पावर उन्नीस से एक कम संख्या एक कम संख्या ये क्वेश्चन में गिवे है बच्चों समझ गए ना से एक कम संख्या क्वेश्चन में गिवेन है यहां पे कह रहा है से एक कम संख्या सात की पावर उनचास से कम एक संख्या तो कम एक संख्या क्या है एक्स की पावर ये संख्या किससे विभाज्य होगी ये संख्या किससे विभाज्य होगी किस हो आपसे यह नहीं बोल रहा है कुछ लोग ये समझे होंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सात की पावर उन्नीस से कम एक संख्या सात की पावर उन्नीस से कम एक संख्या किससे विभाज्य होगी एन माइनस वन मतलब सिक्स से विभाज्य होगी हो बेटा समझ में आया कि नहीं बोलो वहां की तो किससे सिक्स से विभाज्य होगी ऑप्शन कौन सा डी समझ में आया ना बेटा रिपीट कर दिया कि की पावर उन्नीस से कम एक संख्या तो एक कम संख्या माइनस तो आपको पता है बच्चों कि ए की पावर एन माइनस वन ऑलवेज डिविजल बाई ए माइनस वन समझ में आ गया ना रिपीट कर दिया बच्चों अगला क्वेश्चन ये जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो ये आर आरबी भोपाल में क्वेश्चन आया हुआ है थर्टी सेकंड है देखो आप लोगों को पसंद आए बेटा लाइक करते जाओ सभी लोग फटाफट ठीक है इस क्वेश्चन को ट्राई करो ट्राई करो सभी लोग उमेश क्लियर हुआ बेटा आपको सभी लोग लाइक करते जाओ देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पंद्रह सेकंड है जीरो सभी लोग ट्राई करो बेटा क्या आएगा आंसर फटाफट रिप्लाई करो यार सभी लोग अवस्थी जी मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आता हूं सेम वैसा ही रहेगा जैसे पहले था नितिन चौरसिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया है दीपांशु ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कसेम अवस्थी में अभी उसको डिस्कस करता हूं नितिन दीपांशु ने बिल्कुल सही आंसर दिया है देखो बेटा सब लोग देखो सभी लोग देखो यहां पे जो क्वेश्चन है ये, ये कह रहा है आपसे कि तीन दो पांच तीन दो पांच तीन दो पांच तो देखो तीन तीन के पेयर बना रहे कि नहीं बच्चों देखो हम इसको तो यही लिखेंगे ना देखो तीन प्लस दो माइनस पांच ये जीरो हो जाएगा कि नहीं फिर देखो प्लस तीन प्लस दो माइनस पांच ये भी जीरो हो जाएगा फिर लिखेंगे प्लस तीन प्लस दो माइनस पांच ये भी जीरो हो जाएगा तो बताओ ये जीरो बना रहा है कि नहीं बोलो हाँ कि ना बेटा ये जीरो बना रहा है तो देखो यह कितने नंबरों का पेयर बन रहा है बच्चों देखो झूठ मत बोलना तीन नंबर तीन नंबर तीन नंबर टोटल बेटा पचास पद है ऐसे तीन तीन बन के सोलह थे अड़तालीस अड़तालीस पद अड़तालीस पद आपके जीरो हो जाएंगे कि नहीं बोलो हां कि ना अड़तालीस पद बेटा जीरो हो जाएंगे ना सभी लोग बोलो अड़तालीस पद जीरो हो जाएंगे पचास थे तो बचे दो पद अड़तालीस पद जीरो हो गए बच्चे दो पद तो दो पद कौन से बच्चे बेटा आपके बच्चे ये दो पद क्योंकि अब इसके बाद रिपीट होगा तीन प्लस दो तो आंसर आपका पांच आ जाएगा ऑप्शन ए बेटा सभी को क्लियर हुआ कि नहीं बोलो हा कि अड़तालीस पद तक क्योंकि तीन 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 के पेड़ बनाते 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 जीरो जला जाएगा सभी को पसंद हो समझ में हो तो लाइक जरूर कर देना बच्चों बोलो हा कि ना एवरेज जल्दी ही स्टार्ट करेंगे बेटा समझ में आया सबके बोलो हां कि ना कमेंट चाहिए बेटा हाँ समझ में आ गया आप सभी का कमेंट चाहिए कमेंट बॉक्स में हाँ सर समझ में आ गया फिर मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं एवरेज करा देंगे अतुल यादव जल्दी करा देंगे इस क्वेश्चन को ट्राई करो एवरेज करा देंगे पसंद आया हो तो बेटा सभी लोग क्लास को लाइक करते जाओ इस क्वेश्चन को ट्राई करो क्या आएगा चलो इसको थर्टी सेकेंड दे रहे जल्दी से बताओ बच्चों सभी के कमेंट आने चाहिए सभी लोगों के ट्राई करें सभी लोग ट्राई करें थर्टी सेकेंड है सभी लोग ट्राई करें देखो यहां पे बच्चों सभी लोग देखो जब भी कोई संख्या होती है सीक्वेंस से लिखी होती है सीक्वेंस से लिखी होती है तो हमें उस संख्या का क्या करना पड़ता है बताओ क्या करना पड़ता है एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू कोई संख्या आपकी सीक्वेंस से लिखी है जैसे एक ध्यान से देखना बच्चों एक प्लस दो प्लस तीन डॉट एन संख्या है इसका सम क्या लिखते हैं बोलो बेटा क्या लिखते हैं सभी लोग बोलो सम क्या लिखते हैं बेटा इसका सम हम लोग क्या लिखते हैं देखो हम लोग इसका सम यही लिखते हैं एन एन प्लस वन होल डिवाइड बाई टू क्लियर है N, N संख्या क्रम से होनी चाहिए एक दो तीन सौ है तो यहां क्या लिखेंगे सौ हो गया फिर कितना आ गया सौ प्लस एक डिवाइड बाई टू हम इसे काटेंगे पचास पचास गुड़े एक सौ एक आपका उत्तर कितना आ जाएगा फाइव जीरो फाइव जीरो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है सर थ्री नंबर रिपीट कर दो तीन नंबर को फिर से देख लो बेटा कुछ लोग कह रहे थे तीन नंबर को देखो इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से रिपीट करे दे रहे सभी लोग ध्यान से समझना बच्चों ठीक है देखो बेटा तीन नंबर को फिर से रिपीट करें एक बार फिर से देख लो कुछ बच्चों की देखो यहाँ पे कह रहा तीन संख्या फिर तीन संख्या देखो ये तीन तीन संख्या है जैसे मैं इन तीन संख्याओं को लिखता हूं तीन प्लस दो माइनस पांच जीरो बनाएगा कि नहीं बोलो हाँ कि ना फिर ये तीन संख्या ये तीन हो गई फिर यह तीन संख्या मैं लिखता हूं तीन प्लस दो प्लस माइनस पांच जीरो बनाएगा कि नहीं तो ऐसे ही जीरो जीरो तीन तीन के पद तो 48 पद तक तुम ऐसे जाओगे तो बेटा जीरो मिलेगा कि नहीं 48 पद तक जीरो मिलेगा बच गए दो पद दो पद जो बचे तो अब यही सीरीज खत्म दो पद तो यही बचे तो 48 पद जीरो बाकी दो पद का सम कितना पांच उत्तर बेटा समझ में आ गया होगा ठीक है इस क्वेश्चन को ट्राई करो इस क्वेश्चन को ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सभी लोग बताओ थर्टी सेकेंड आपके ये हैं पहला क्वेश्चन भी देख लेते हैं डोंट वरी बेटा डोंट वरी बने रहो बस देखते हैं धीरे धीरे देखते हैं ट्राई करो सभी लोग फटाफट क्या आएगा आंसर अच्छा नितिन सर आपको पहली बार देखा हूं कोई बात नहीं मेरे भाई अच्छा आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो आंसर बताओ फटाफट देखो यहां पे सभी लोग देखो देखो सभी लोग देखो एक से लेके दो तक का सम पचपन है जैसे अब देखो कुछ लोग ऐसे जोड़ते हैं, मैं जोड़ना सिखाऊंगा आप लोगों को ऐसे जोड़ते एक दो तीन देखो मैं इसको जोड़ना भी सिखाई दे रहा हूं एक दो तीन चार पांच छ सात ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करके ऐसे देखना बच्चों आप सभी लोग जैसे लिखा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस देखो हम लोग ऐसे जोड़ते हैं ध्यान से देखना देखो नौ एक दस आठ दो दस बीस हो गए सात तीन दस तीस चालीस दस पचास पांच पचपन जुड़ गया कि नहीं बोलो हाँ कि ना बेटा सब लोग बताओ जुड़ गया ना ऐसे अभी देखो इसको भी मैं जोड़ूंगा देखो बेटा इस तरीके से इसे पचपन लिख सकते हो कि नहीं फिर से देख लो मैं कैसे जोड़ता हूं कुछ लोगों को यह आइडिया पता नहीं होता है जोड़ना ऐसे आठ दो दस नौ एक दस बीस तीस सात तीन दस चालीस छह चार दस पचास पांच पचपन ऐसे जोड़ा जाता है बोलो हां कि ना बेटा क्लियर है ना इसी तरीके यदि आपको ग्यारह से लेकर बीस तक जोड़ना है तो एक बात बताओ ग्यारह की संख्या को ऐसे लिख सकते हो देखो मैं यहां लिखूंगा बेटा ध्यान से समझना यदि मैं ग्यारह को ऐसे लिख सकता हूं दस प्लस एक दस प्लस दो दस प्लस तीन दस प्लस चार दस प्लस पांच दस ये मन में ही करना है दस प्लस सात दस प्लस आठ दस प्लस नौ बीस तक है दस प्लस दस अब एक बात बताओ बेटा अभी हमने इनको जोड़ा इनको जोड़ा पचपन आ गए कि नहीं बोलो हाँ कि ना और ये कितनी बार है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस तो दस बार दस जोड़ोगे तो सौ और वो पचपन तो एक सौ पचपन नहीं आ जाएगा ऐसे ओरल जोड़ सकते थे आपका ऑप्शन ए मेरी बात समझ में आई कि नहीं ए परम सत्य है यही हिसार है बेटा आप सभी लोग लाइक करते जाओ वीडियो को ठीक है जो ये डिसलाइक वाले आ रहे हैं तो इनको भी थोड़ा आप लोग पता चले कि हाँ यहाँ पे जो मजबूती है वो ज्यादा है समझ गए ना बच्चों आपको समझ में आ गया अच्छा मैं आपसे बेटा एक तरीके से यह पूछ लेता क्वेश्चन देखो मैं क्वेश्चन और भी चीजें आपको सिखाना चाहता हूं जैसे मैं पूछ पूछ लेता लेता बच्चों एक बात ये बताओ कि 21 डॉट 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 तो इसका सम क्या आता जल्दी से बताओ इसका सम क्या आता देखो यहां बीस देखो यहां पे दो कॉमन हो जाता दो भाई मेरी बात समझो बीस दो हो जाता और पचपन दो इसका जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका जल्दी से बताओ बेटा नहीं मेरी सैटरडे संडे क्लास होती है वो भी होती है मेरी क्लास सैटरडे संडे बारह बजे ठीक है तो सैटरडे संडे आप लोग जरूर क्लास लिया करो इसका बताओ क्या आएगा इसका आंसर बताओ क्या दो सौ पचपन आंसर क्या दो सौ पचपन बोलो हां कि ना बोलो बेटा दो सौ पचपन हो जाएगा कि नहीं बेटा 255 क्योंकि देखो 20 30 40 50 60 70 80 समझ गए ना 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 200 और 55 मेरी बात समझ में आई बच्चों बोलो हाँ कि ना समझ गए ना भाई एक सौ बार यदि मैं इसको बोल देता बेटा इकतीस प्लस बत्तीस प्लस तैतीस डॉट डॉट प्लस चालीस तो क्या बोलते तीन सौ पचपन बोलो हां की ना जीवन है चलता रहता है बिल्कुल जीवन है चलता रहता है मेरे भाई इस क्वेश्चन को ट्राई करो बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये टिकट कलेक्टर का क्वेश्चन है भाई टीटी का क्वेश्चन आ गया जल्दी से ट्राई करो बेटा इसे ट्राई करो ये आपका 2001 का क्वेश्चन है भाई मेरा नाम लिखा होगा इसमें अच्छा लिखा नहीं है नितिन तिवारी नाम है मेरा ठीक है मेरा नाम नितिन तिवारी क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं बेटा चलिए देखो इस क्वेश्चन को हमने बेटा बोला <coughs> देखो यहां पे थोड़ा बड़ा करें दे अब दिख रहा है दिख तो रहा है यार बी चलो ठीक है देखो एक बात बताओ बेटा मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच डॉट 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 प्लस फोर्टी नाइन इसका आंसर बताओ अभी बताया था एन सीक्वेंस नंबर का आंसर इसका बताओ क्या आता है बेटा इसका बेटा आप यही लिखते कि नहीं सभी लोग बताओ इसका परम सत्य तो यही होता कि जैसे एन नंबर तक है तो उनचास प्लस उनचास प्लस एक डिवाइड बाई टू इतने में किसी को कोई आपत्ति बोलो बेटा किसी को कोई आपत्ति बोलो किसी को कोई आपत्ति बेटा नहीं अब एक बात समझो सभी लोग सभी लोग देखना सभी लोग मेरी बात समझना बेटा ये देखो एक से लेके उनचास तक फिर उनचास से लेके एक तक दो बार आया कि नहीं कितनी बार आया दो बार दो बार आया तो इसमें क्या ये दो बार नहीं दो से मल्टीप्लाई हो गया मेरी बात समझ में आई जब ये दो बार आया तो एक सिंगल नंबर आपका क्या है बेटा ये पचास एक सिंगल नंबर है तो ये आपका क्या हुआ अलग से काउंट हो गया तो ये हम पचास कर देंगे बोलो हाँ कि ना क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों समझ में आया कि नहीं समझ गया कि नहीं फिर से देखो बेटा समझ में आया कि नहीं नहीं आया एक बात समझो आप लोग सीक्वेंस नंबर जानते हो ना जैसे मैंने आपको बोला कोई एक सीक्वेंस से दे रखा है सभी लोग देखना बच्चों आपकी स्पीड मुझे बढ़ानी है जैसे मैंने बोला एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस, प्लस पांच डॉट 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 एन नंबर तो इसका सम क्या लिखते हो बेटा सम तो आप यही लिखते हो कि जैसे एन नंबर तक है तो एन एन प्लस वन होल डिवाइड बाई टू यही लिखते हो तो एक बात बताओ बेटा जैसे ये सीक्वेंस था तो इसको क्या लिखोगे उनचास उनचास प्लस एक डिवाइड बाई टू यही लिखोगे कि नहीं बोलो हां कि ना बोलो बेटा अब बताओ ये उनचास कितनी बार एक से लेके उनचास या आया फिर उनचास से लेके एक कितनी बार हुआ सभी लोग बोलो दो बार हुआ ना तो ये बेटा सीरीज कितनी बार लिखी ये दो बार लिखी गई है तो अब देखो ये दो बार आ गया तो ये जो दो गुणे ये दो से मल्टीप्लाई क्यों हुआ क्योंकि दो बार है अब ये पचास आपका छूटा जा रहा है तो इस पचास को भी तो लिखोगे बोलो बात समझ में आई कि नहीं मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ गए ना बेटा हां बेटा दो सौ वाचिंग तो होनी चाहिए मगर आप लोग करा दो तो ठीक दो से दो काट दो बेटा पचास प्लस देखो यहां पे कितना आ गया उनचास देखो बेटा इस तरीके से देखो यार एक बात बोले मजे की बात मुझे जितने भी बच्चे हो सबको सिखाना है समझ गए ना तो सब लोग सीखो ये नहीं कि पांच हजार छह हजार ऐसा कुछ नहीं आप सब लोग सीखो सीख के जाओ बाद में आप लोग बोलो हाँ यार हमने आज कुछ सीखा है कुछ मजा आया है समझ गए ना तो आप लोग ये चीज है आप लोगों के अंदर से पॉजिटिव थॉट आना चाहिए कि हाँ पढ़ के मजा आया कुछ चीजें सीखी समझ गए ना मेरी बात को तो हम यहां क्या लिखे उनचास तो काट दिया तो इसे क्या लिख सकते हैं उनचास गुड़े पचास प्लस पचास यही लिखेंगे कि नहीं बोलो हां कि ना बेटा बोलो अब पचास कॉमन ले लो तो पचास गुड़े पचास नहीं आ जाएगा तो बेटा आंसर पच्चीस सौ आ जाएगा कि नहीं तो आपका आंसर क्या हुआ किसी ने बोला था बी पे मार्क कर कर दो तो आपका पच्चीस आ गया बेटा मेरी अनकैडमी पे टाइमिंग जो है क्लास की टेन पीएम पे आप लोग अच्छा एक काम करो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी प्रोफाइल दे रखी है वहां पे जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो या आप आ, मैथमेटिक्स बाय नितिन सर टाइप करोगे आपको मैं मिल जाऊंगा ठीक है भाई सुंदर सी फोटो मेरी मिल जाएगी आप लोग वहां आप लोग आ सकते हो बेटा समझ में आया ना समझ में आया दो बार आया बेटा वीडियो देख लेना अब समझ में फिर से आ जाएगा आपके समझ गया है ना बेटा इस क्वेश्चन को ट्राई करो पोल आपका ये पोल का टाइमर ये है बेटा देखो एक एक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा पांच मिनट यदि पांच मिनट में आपको ज्यादा लग रहा है तो बेटा आप लोग फिर से देख लेना ठीक है मेरे भाई अस्थि सात और चार दोनों ले सकते हो अब रेलवे में कुछ ऐसे भी ऑप्शन आते हैं जहां सात और चार दोनों हो सकते हैं तो सात और चार दोनों ले सकते हो इतना वरीड मत हो मेरे भाई जल्दी से देखो देखो बेटा 2100 का जैसे है जैसे आपका ये समय 2100, ठीक है जैसे एक क्यूब है, ध्यान से देखना बेटा जैसे एक क्यूब होता है, नंबर ये होता है जैसे क्यूब है तो जैसे आपको बोला जाए a प्लस बी प्लस सी डॉट 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 जैसे आपसे बोल दिया जाए ऐसे बोला जाए कि x x एक, जैसे बोल दिया जाए देखना ध्यान से मैं नंबर इस तरीके से लिख देता हूं आप लोग देखना जैसे बोला ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डॉट 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 एन नंबर अब आपसे बोल दिया जाए प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू डॉट 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 एन क्यूब अब इसका जो सम है यदि x है तो इसका सम क्या होता है ध्यान समझना x का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं क्यूब तो बेटा 210 का स्क्वायर कितना है ये आपका आंसर ध्यान रखना ये ट्रिक है समझ गए ना यदि इसका x है तो आप इसका स्क्वायर क्या कर सकते हो बेटा सीक्वेंस नंबर होना चाहिए यदि ये x है तो इसका x स्क्वायर हो जाता है या आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे n नंबर है n नंबर का आपको क्यूब निकालना है तो क्यूब जैसे n नंबर है तो इसका आपको आ, इस तरीके से भी देखना होगा जैसे एन नंबर ये है तो आपको इसको एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर इस तरीके से समझ सकते हो ये क्या है बेटा सम है समझ पाए कि नहीं सब लोग बोलो हाँ कि ना तो अब यहां इक्कीस का स्क्वायर कर दोगे कितना है 210, 210 दो सौ दस दो दस का स्क्वायर कर दोगे फोर फोर वन डबल जीरो आपका उत्तर कौन सा है डी ऑप्शन क्लियर है कि नहीं बोलो हाँ कि ना बच्चों अगला क्वेश्चन समझ में आया सबके क्या हो क्या ये सब कमेंट किया करते बेटा क्या नाम है तुम्हारा रूपेंद्र सिंह फार्मूला मैंने बता दिया बेटा जैसे कोई भी नंबर सीक्वेंस है जैसे आपको देखो फार्मूला यदि चाहते हो तो फार्मूला ऐसे देख लो जैसे कोई नंबर लिखा है इस तरीके से जैसे बेटा आपको कोई नंबर इस तरीके से लिखा है एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब डॉट 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 प्लस एन का क्यूब तो आपसे नंबर होता है सम क्या होता है सम इसका ये होता है एन एन प्लस वन होल डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर समझ गया ये फार्मूला होता है बेटा फार्मूला ये होता है बाकी ये क्वेश्चन ट्राई करो थर्टी सेकेंड आपके पास ये है ट्राई करो क्या आएगा आंसर सभी so, लोग ट्राई करें अब देखो इसका इकाई का अंक तो एक का ही आएगा ना बहुत इजी सा क्वेश्चन था जिसका यूनिट डिजिट वन है तो इकाई का अंक एक आएगा अगला क्वेश्चन देखो भाई एक का इकाई का अंक क्या आएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं ये कितने लोग सही आंसर देते हैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा और बड़ा कर देते दिखना चाहिए सबको इसको ट्राई करो बेटा क्या आएगा ये भाई सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो बच्चों अच्छा इतने लोग देख रहे हो यार लाइक करते जाओ कम से कम टू हंड्रेड लोग तो होने चाहिए ना लाइक करते जाओ यार सभी लोग फटाफट लाइक करते जाओ बच्चों वेरी गुड सभी लोग लाइक करते जाओ जा यार सी अच्छा एक बात समझो कभी किसी के लिए कपड़े लेने गए होगे तो एक बात बताओ एक्सेल साइज आता है कि नहीं एक्सेल बोला जाता है कि नहीं ये पहले बताओ एक्सेल एक्सएल एक्सेल समझते हो क्या होता है एक्सेल साइज एक्सएल ऐसे बोला जाता है कि नहीं एक्सेल बोलो हाँ कि ना किसी के लिए जब कपड़े खरीदने जाते होगे तो एक्सेल साइज बोला जाता है एक्सेल को फोर्टी ही बोलते हैं XL 40 अब तीन और आ गए समझ गए अब तीन एक को इससे डिनोट किया जाता है तो 43 XL 43 समझ में आया कि नहीं बोलो हाँ कि ना समझ गए ना XL आप लोग XL साइज सुने होंगे ना बेटा बोलो हाँ कि ना XL साइज XL को हम क्या बोलते हैं 40 समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों अगला क्वेश्चन देखो कई लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया अभी ये क्वेश्चन में बता के क्या हूं सभी लोग आंसर देंगे देखते सबसे पहले कौन देता है ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या थर्टी सेकेंड है आपके पास जल्दी से बताएं सर डिस्ट्रीब्यूशन करके बताओ बता देंगे मेरे भाई अच्छा आप सभी लोग लाइक करते हो यार इतने लोग हो सभी लोग तो लाइक कर दो यार बच्चों आप लोगों को दिख रहा है ना ठीक है नाउ इज ओके थोड़ा सा इंटरनेट इश्यूज हो गया था तो आप सभी लोग आ गए ना नेचुरल नंबर बेटा प्राकृतिक संख्या को हिंदी में कहते हैं नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या को हिंदी में क्या कहते हैं नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर बेटा ठीक है हम आ गए फिर से कनेक्टिविटी हो गई बस थोड़ा सा हो गया था इशू नेट का थोड़ा सा था बेटा तो आई थिंक आप सभी लोग समझ गए होंगे ठीक है भाई देखो फिर से सभी लोग बहुत सारे बच्चे जुड़े थे चले गए इसके लिए हम आ, माफी चाहते थोड़ा सा इंटरनेट या बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं हो जाता है थोड़ा सा ठीक है बेटा तो ट्राई टू तो अंडरस्टैंड आप सभी लोग फिर से अपने दोस्तों को बुला लो ठीक है देखो प्राकृतिक संख्या मैंने बोला था एक प्लस दो प्लस तीन डॉट डॉट डोट डॉट प्लस एक्स n से लेके s तक प्राकृतिक संख्याओं का हमें क्या निकालना है माध्य निकालना है बेटा सम क्या होता है सम हमने बताया था x तक है तो इसको x x 1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे सम ये होता है x x 1 डिवाइड बाय 2 और माध्य बेटा ये योग होता है योग हम तो माध्य निकालेंगे x हटा देंगे तो x 1 डिवाइड बाय 2 आपका ऑप्शन कौन सा पहला बोलो हाँ कि ना क्लियर है बच्चों अगला क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा यह अलाहाबाद में आया था अब ये क्वेश्चन एक से लेकर सौ तक ऐसी पूर्ण संख्या जो दो और पांच से विभाज जो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जल्दी से बताओ बच्चों क्या आएगा आंसर थर्टी सेकंड है आपके पास ट्राई करो बेटा ट्राई करो सभी लोग दो और पांच से विभाज्य होने वाले संख्याओं का योग निकालना है छत्तीस सौ अच्छा दो से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी होंगी जल्दी से बताओ दो से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी होंगी बताओ जल्दी से बेटा देखो इसको यदि आप निकालते हो बेटा तो इस तरीके से करना देखो दो से विभाज होने वाली संख्या का योग निकालना हो तो ट्रिक देखो यहां से सौ को डिवाइड करना दो सौ से कितना आ गया पचास इसका स्क्वायर कर देना और पचास जोड़ देना तो पच्चीस प्लस पचास कितना आ जाएगा तीन हजार समझ गए कि नहीं बेटा समझ में आया कि नहीं बोलो हाँ कि ना तो पच्चीसो पचास आएगा तीन हजार नहीं आएगा पच्चीस सौ पचास आएगा सॉरी पच्चीस सौ पचास समझ में आया कि नहीं बोलो हाँ पांच की डिविजिबिलिटी देखनी है अब पांच की डिविजिबिलिटी में आप ऐसे कर सकते हो कि देखो तो बेटा यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसी संख्या है बीस तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं सौ प्लस पांच डिवाइड बाई टू और गुड़े बीस यदि हम इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा 105 और इसे डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा वन जीरो फाइव जीरो तो इसको हम लिख देंगे कितना आ जाएगा छत्तीस आपका उत्तर आ जाएगा जो कि ऑप्शन कौन सा बी है बोलो हा कि ना बेटा सबको समझ में आया छत्तीस क्लियर है कि नहीं बोलो हा कि ना बेटा हमने क्या किया जो यहाँ पे पांच की डिजिबिलिटी निकाली इसमें पांच को जोड़ के फिर टू से डिवाइड कर दिया और कितने नंबर है ट्वेंटी नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है अगला क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करो प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा कोई और तरीका जानना चाहते हो लास्ट वाले क्वेश्चन का तो आप लोग कमेंट कर दो तो बता भी देंगे कोई और तरीका जानना चाहते हो इसके लास्ट वाले क्वेश्चन का कोई और तरीका जानना चाहते हो कोई और तरीका जानना चाहते हो अच्छा एक बात समझो सभी लोग वीडियो लाइक कर दो मैं दूसरा तरीका भी समझा दूंगा सभी लोग लाइक कर दो 200 हंड्रेड होना चाहिए ठीक है लास्ट वाला फिर से बता दूंगा इस क्वेश्चन को ट्राई करो पहले अभी बताए दे दे रहे इसको ट्राई करो देखो कुछ लोगों ने वो आंसर दिया था अभी बताया दे रहे जैसे प्रथम चार आभाष संख्याओं का योग क्या होगा प्रथम चार आभा संख्याएं क्या होती हैं जैसे दो हो गया फिर क्या हो गया तीन हो गया पांच हो गया सात हो गया सात तीन दस पांच सत्रह डी ऑप्शन इज राइट आंसर डी ऑप्शन इज राइट आंसर सत्रह आपका उत्तर आ गया क्लियर है सबको अच्छा इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था ये कितने लोग कह रहे हैं छत्तीस सौ आंसर सही है मैं अब इस पे आता हूं कितने लोग कह रहे हैं छत्तीस सौ आंसर दिया था बेटा कितने लोगों ने छत्तीस सौ आंसर दिया था इसका प्लीज छत्तीस सौ वाले एक बार कमेंट करें इसमें यानी बैक कमेंट में जाऊंगा छत्तीस सौ वाले कितने लोगों ने दिया था आंसर जल्दी से बताओ देखो आप लोगों को मैं बताए दिए दे रहा हूँ कितने लोगों ने छत्तीस आंसर दिया था मैं आप लोगों को अभी देख रहा हूँ कितने लोगों ने दिया था मैं आपको बता रहा हूँ मैंने इसलिए इस क्वेश्चन में आपको छोड़ा देखो मैं बता रहा हूँ क्योंकि बेटा आशुतोष द्विवेदी ने दिया था छत्तीस मैं बता रहा हूँ और किसने दिया था आंसर आशुतोष द्विवेदी थे हाँ आशतोष द्विवेदी जी ने आंसर दिया था छत्तीस बेटा आशुतोष आपने कहा छत्तीस सौ पढ़ा था छत्तीस सौ बेटा छत्तीस सौ इसका देखो मैंने एक्चुअली क्यों छोड़ा मैं आपको बता रहा हूं जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं आप तक पहुंचने में दस सेकंड का गैप है कितने दस सेकंड का यदि मैं इसमें उस समय हो बताने लगता तो आप तक लेट पहुंचता इसलिए मैंने अब क्या किया कि जो क्वेश्चन है ये छत्तीस आपका रॉन्ग आंसर है जो कि आप लोग बुक में देखोगे छत्तीस सो आपका रॉन्ग है जो आपने बी कर दिया यहाँ पे आंसर सही दे ही नहीं रखा इसको मैं एग्जैक्ट बेसिक से समझाता हूं तभी मैंने कहा बेसिक से कितने लोग जानना चाहते हैं आप लोग बेसिक जानना चाहोगे इसका रॉन्ग आंसर है मैं फिर से बता रहा हूं जो राइट right आंसर आएगा बेसिक देखो क्या है बुक में दे रखा है सोल्यूशन गलत दे रखा है मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन से है, अच्छे से बताता हूं समझने की कोशिश करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा नहीं करोगे तो बेटा दिक्कत होगा समझ गए ना नितिन कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया 3550 इज राइट आंसर और सभी लोग वीडियो लाइक करते जाओ 3550 इज राइट आंसर देखो एक बात बताओ बच्चों सभी लोग <coughs> जैसे हम किसी भी नंबर का सम निकालते हैं जैसे हमने बोला इसका सम निकालो जैसे हमने बोला कि एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार डॉट 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 प्लस दस इसका सम निकालना है तो आप लोग सम कैसे निकालोगे सम निकलना निकालने का फार्मूला क्या होता है आप लोग ऐसे निकालते हो सम Uh, क्या लिखते हो एन बाई टू फर्स्ट प्लस लास्ट यही तो करते हो बोलो बेटा एन कितने दस तो आप इसको एन पहला नंबर यदि एक है वन तो एन प्लस वन यही सम निकालते हो कि नहीं बोलो हाँ कि ना बोलो हाँ कि ना बेटा यही यूज करते हो कि नहीं पहला नंबर यदि वन हो गया यही यूज करते हो अच्छा एक बात बताओ यदि मैं पूछूं कि एस टू दो वाले नंबर कितने होंगे दो चार छ देखना बेटा दो चार सबको दिख रहा है कि नहीं पहले थोड़ा बड़ा लिख देता हूं आप लोगों को दिखे अच्छे से दिखे जैसे मैंने लिखा एस टू वाले तो आप लिखते हो दो प्लस चार प्लस छह प्लस आठ प्लस डॉट 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 प्लस दस लिखते हो कि नहीं बोलो हां कि ना या दस तक या सौ तक बोलो सौ तक होंगे दो से डिवाइड होने वाले, वाले नंबर कि नहीं मिला बोलो बेटा सौ तक होंगे सौ तक होंगे कि नहीं तो यहां पे एन नंबर कितने होंगे पचास होंगे यहां पे एन की वैल्यू जो निकालोगे तो सौ बटे दो, दो दो के गैप में आ रहा है तो पचास नंबर होंगे कि नहीं तो यहां एन की वैल्यू पचास रख दो पहला नंबर क्या है बेटा पचास पहला नंबर आपका दो है आखिरी नंबर सौ है समझ गए ना यहां पहला नंबर फर्स्ट प्लस लास्ट समझ में आया कि नहीं बोलो हां कि ना इसको काटोगे तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी पचास बटे दो गुड़े एक सौ दो इसे काटोगे इक्यावन आ जाएगा तो ये आपने निकाला जीरो तो 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 पच्चीस पचास जो मैंने पहला नंबर निकाला था वो सही है क्लियर है तो मतलब एक से लेकर सौ तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो दो से विभाज्य होंगी उनका योग जो होगा पच्चीस पचास मतलब एक से लेके सौ तक ऐसी कितनी संख्याएं का योग बताना है जो दो से विभाज्य है मेरी बात समझ में आए देखो तो मैं आराम आराम से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको हर एक चीज क्लियर हो फास्ट में करा दूंगा तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा ठीक है अब मैं पांच का इसी तरीके निकालता हूं मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए आपको टाइम लग रहा है बेटा ठीक है यदि मैं पांच का देखू बेटा देखो यहां पर यदि मैं पांच का देखू तो कितना आ जाएगा जैसे मैं निकालता हूं पांच का एस का देखता हूं तो देखो पांच प्लस दस प्लस कितना बेटा पंद्रह प्लस डॉट 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 सौ यहां एन कितना होगा एन बराबर क्या निकालोगे सौ डिवाइड बाई पांच इसे काटोगे बीस नंबर होंगे इसका सम निकालना है बेटा सम निकालने को आप क्या कह सकते हो सम निकालने का सम एस फाइव पूरा सम निकालना है तो कितना बीस आ जाएगा बीस बटे दो पहला नंबर पांच आखिरी नंबर कितना आएगा बोलो सौ आएगा कि नहीं बोलो बेटा ये सौ आएगा कि नहीं बोलो हाँ कि ना आखिरी इसका कितना आएगा सौ आएगा कि नहीं बोलो हाँ ना बेटा ठीक इसको दस आ गया तो ये कितना आ गया दस प्लस और कितना आ जाएगा बुढ़े पांच सौ सो। सॉरी ये कितना आ जाएगा एक सौ पांच दस बुढ़े एक सौ पांच या वन जीरो फाइव जीरो पांच आ गया बोलो हां कि ना बेटा अब तुमने इनको जोड़ दिया अब तुमने 2550 ये आप जोड़ दिए तुमने क्या जोड़ा जैसे जोड़ा 1050 प्लस ध्यान समझना टू फाइव फाइव जीरो यहाँ पे सबको जोड़ दिया तो कितना आ गया जोड़ के बेटा कितना आ जाएगा इसको ये थोड़ा मैं छोटा करके भी लिखता हूं राज बेटा क्या हो गया यदि मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं बेटा तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना लिख देंगे बेटा बहुत फ्री बैठो कहा लिखे जा रहे हो इसको यदि हम ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा थ्री अब देखो पांच पांच दस छत्तीस आ जाएगा छत्तीस सौ संख्या तुमने दो और पांच काउंट कर ली मगर ये गलत क्यों है आपको ये समझना होगा इन दोनों सीरीज में अब देखो इन दोनों सीरीज में देखना बच्चों गलत क्यों है छत्तीस सौ गया, मैं गलत क्यों है देखो इन दोनों सीरीज में आपको एक चीज काउंट कर गए गलत इन दोनों सीरीज में आप एक चीज गलत काउंट कर गए देखना बच्चों, यहां पे देखो नंबर दस आ रहा था कि नहीं देखो यहां समझनी गलती क्या है यह जानना बहुत जरूरी है समझना चाहते हो गलती क्या है गलती क्या है यह जानना चाहते हो देखो दस बेटा तुमने यहां भी काउंट कर लिया और दस तुमने यहां भी काउंट कर लिया दो बार काउंट हो गया कि नहीं बोलो दस तुमने यहां भी काउंट कर लिया दस तुमने यहां भी काउंट कर लिया दस दो बार काउंट हो गया कि नहीं बोलो हां कि ना समझ गए ना बीस भी दो बार काउंट हो गया तीस भी दो बार काउंट हो गया तो जो नंबर आपके बार बार काउंट हो गए वो भी तो माइनस होंगे तो भैया आपके जो नंबर थे कौन से थे दस थे फिर कितना था बीस था फिर तीस था डॉट 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 कहां तक सौ तक सौ भी आपने दो बार काउंट किया मेरी बात समझ पाए कि नहीं तो बेटा यहां पे n नंबर कितने होंगे n बराबर सौ को डिवाइड करेंगे दस से तो आपको दस नंबर मिलेंगे तो सम निकालोगे यहां पे सम क्या आ जाएगा यहां सम आपका जो आएगा दस बटे कितना आ जाएगा दस प्लस दस प्लस क्या आ जाएगा बोलो दस प्लस क्या आ जाएगा बेटा मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया सौ डिवाइड बाई टू तो यह पांच सौ पचास मिल जाएगा तो पांच सौ पचास आपने दो बार ज्यादा काउंट कर लिए तो बेटा जो छत्तीस सौ नंबर था आपका जो छत्तीस सौ था इसमें पांच सौ पचास माइनस होगा तो ये आपको मिल जाएगा थ्री फाइव जीरो आपका उत्तर ये राइट आंसर है राज बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो फालतू की चीजों पे नहीं ठीक समझ गया राज बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो ठीक है आपको यदि बाकी चीजों पे ध्यान देना है तो प्लीज आप कमेंट मत करें आप आ, सही डायरेक्शन में नहीं है पढ़ाई पे ध्यान दो चीजें एक्सप्लेन करो बेटा इसका शॉर्ट तरीका कितने लोग जानना चाहते हैं इसका शॉर्ट तरीका कितने लोग जानना चाहते हैं बेटा चलो अब इसका शॉर्ट तरीका पूरा मैंने एक्सप्लेन किया तो कितना शॉर्ट तरीका कितने लोग जानना चाहते हैं कितने लोग शॉर्ट तरीका जानना चाहते हैं बेटा देखो इसको हम लोग अब शॉर्ट तरीके से करते हैं तो देखो आपको दो नंबर ऐसे लिखने होंगे देखो यहां पे मैं लिख देता हूं कोई बात नहीं बेटा एक दो तीन डॉट 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 सौ एक ये नंबर सम आ गया फिर पांच वाले पांच दस पंद्रह डॉट डॉट सौ ये तुमने नंबर कौन कौन से माइनस तुम्हें करने पड़ेंगे माइनस कौन सा करोगे बेटा माइनस तुम्हें यहां पे करना पड़ेगा कौन से नंबर दस प्लस बीस डॉट 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 प्लस सौ यह नंबर तुम्हें माइनस करने पड़ेंगे समझ में आया कि नहीं बोलो हा कि ना ये नंबर तुम्हें माइनस करने पड़ेंगे मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों देखो हमने ये लिखा एक से लेके देखो दो वाले तो दो वाले हमने इधर लिख लिए इसको फिर से लिख देते हैं आप लोगों को समझाने के लिए आप लोग देखोगे यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूं दो चार छ आठ डॉट 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 यहाँ पे आठ प्लस दस प्लस डॉट 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 प्लस हंड्रेड प्लस पांच वाले पांच दस पंद्रह डॉट 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 प्लस का सौ फिर माइनस करेंगे कौन सा माइनस कौन सा होगा बेटा बोलो कौन सा माइनस होगा यहां पे? हमें माइनस करना होगा माइनस कौन सा करना होगा माइनस हम यहां करेंगे बेटा कौन सा कौन सा माइनस करेंगे दस बीस प्लस डॉट 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 सौ समझ गए ये माइनस करना होगा ठीक तो अब देखो इसको हम लोग यहां पे सॉल्व कर देते हैं। बेटा इसका यदि हमें सम निकालना है देखो सम निकालना है तो सम निकालेंगे तो यहां नंबर कितने होंगे देखो सौ को तुम दो से डिवाइड करोगे तो यहां नंबर पचास आएंगे इस वाले पे इसमें तुम सौ को डिवाइड करोगे पांच से तो नंबर आएंगे बीस इसको तुम सौ तक है दस से डिवाइड करोगे नंबर कितने होंगे दस तो आपको फार्मूला पता है ना फार्मूला क्या बताता है बेटा एस एन बराबर होता है एन बाई टू फर्स्ट प्लस लास्ट तो इसमें क्या करेंगे एन बाई टू नंबर कितने पचास डिवाइड बाई टू पहला और आखिरी प्लस दूसरा बीस डिवाइड बाई टू पहला और आखिरी माइनस डिवाइड बाई टू पहला और आखिरी यहां पे नंबर कितने बेटा दस तो डिवाइड बाई टू पहला और आखिरी बेटा बस ये लिखना है इतना समझ में आया कि नहीं सबके बोलो हा कि समझ में आया कि नहीं बोलो हाँ कि ना बेटा अब आप नहीं है ऑप्शन में तो हम क्या कर सकते हैं आप चीजें गलत थोड़ा सिखा देंगे ना समझ में आ गया इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो कितना एक सौ दो इक्यावन तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी वैल्यू यदि इतना सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी देखो इक्यावन गुड़े पांच तो आप इसे क्या लिख सकते हो भाई इसे क्या लिखोगे इक्यावन आप समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा ये चीज समझ में आई कि नहीं पहले बताओ सब लोगों के तो इसे आप लिखोगे पच्चीस पचास प्लस इसे क्या लिखोगे वन जीरो फाइव जीरो और माइनस ये पांच सौ पचास यही माइनस करोगे कि नहीं तो इसका आंसर क्या छत्तीस पचास नहीं आएगा सॉरी तीस पचास आंसर क्या आएगा तीस पचास ठीक है ना बेटा सौ ही लिखा है एक सौ दस कहां लिख दिया हां ये हंड्रेड होगा बेटा ये हंड्रेड होगा 110 एक सौ दस सम करके लिख दिया था ये हंड्रेड होगा बिल्कुल बेटा नहीं बेटा आकाश पंडा गलत है वो गलत है छत्तीस क्योंकि तुम एक ही बार तो एक नंबर को काउंट करोगे दस को यहां भी काउंट कर रहे हो दस को यहां भी काउंट कर रहे हो दो बार नहीं काउंट होना एक बार अच्छा एक बात बताओ तुमसे बोला गया दो, दो प्लस चार तो भाई अब एक बात बताओ तुमसे जैसे बोला गया कि दो प्लस चार तो छह होगा ना कि आठ हो जाएगा दो को एक ही बार काउंट करोगे दो बार कैसे काउंट कर लोगे तो यहां एक ही बार तो काउंट करके एड करना होगा बोलो हां कि ना तपेश बेटा क्यों परेशान हो रहे हो क्यों अपनी खुशी का इजहार करो कोई खुशी है तो बताओ बेटा हम भी हंस लें बेटा गलत चीज नहीं सीखनी है समझ गया ना क्लियर हो गया कि नहीं गलत चीज नहीं सीखनी है मेरे भाई गलत चीज नहीं सीखनी है अब क्लियर हो गया ना बोलो हाँ कि ना बेटा बोलो हां कि ना बेटा समझ में आया कि नहीं बोलो हाँ कि ना आपसे बोल दिया जाए एक से लेकर दो तक चलो सभी लोग एक से लेकर दो तक निकालोगे तो बेटा क्या आ जाएगा यहां मैं दो सौ कर दूंगा तो यहां बेटा सौ हो जाएगा समझ गए ना यहां दो सौ कर दूंगा बेटा तो यहां सौ यदि आप इसे दो सौ को डिवाइड करोगे पांच से तो चालीस हो जाएगा कि नहीं यहां बेटा मैं दस बीस दो सौ कर दूंगा तो ये बीस हो जाएगा कि नहीं तो आप यही सीक्वेंस क्वेश्चन कुछ भी चेंज करें समझ गए ना अगला क्वेश्चन ये देखिए इसको ट्राई करो इसे ट्राई करो बेटा क्या आएगा आंसर एक से लेकर सत्ताईस तक विषम संख्याओं का योग बताना थर्टी सेकेंड है 30 सेकंड सभी लोग ट्राई करो क्लियर है बेटा देखो हम इसको जब देखते हैं कि एक से लेकर सत्ताईस तक विषम विषम को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर बेटा ठीक है इसको क्या बोलते हैं ऑड एक से लेकर सत्ताईस तक विषम संख्या और संख्याओं का अंतर कितना आएगा ये बेटा आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा इसी के आगे कल से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे ठीक है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है ठीक है कुछ लोग बोल रहे चौदह अच्छा कई लोगों का चौदह क्या एक ही पे लगे हुए हैं सर चंदन कुमार बेटा देखो मेरा एक चीज ये है आपको क्लियर करना ठीक है एक पे नहीं सब कुछ क्लियर करना होता है अच्छा एक बात बताओ यार आप लोग मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ एक चीज मैं तुमको बता रहा हूँ बच्चों बहुत सारे बच्चे होते हैं आते हैं आते एग्जाम में देते हैं क्वेश्चन अच्छा ये आंसर होगा घर आते हैं फिर कहते हो गया ये तो ये तो होना चाहिए फिर यहाँ पे ये होना चाहिए अरे भाई एक बात सुनो एक दो बच्चे जाते हैं चंदन में देखो मैं बात को एक बात समझा रहा हूँ ए जाता है एग्जाम देने कहता है सत्तर क्वेश्चन किए बी जाता है कहता है हमने सौ में नाइन्टी एट क्वेश्चन किए ये कहता है सौ में सत्तर सत्तर क्वेश्चन किए बात समझना मेरी बात को ये कहता है नाइनटी एट क्वेश्चन सत्तर क्वेश्चन किए ध्यान ध्यान से बच्चों सौ क्वेश्चन किए सत्तर इसकी एक्यूरेसी जो होती है एक्यूरेसी समझते हो इसकी एक्यूरेसी है सत्तर परसेंट इसकी एक्यूरेसी है नाइंटी परसेंट नाइनटी एट परसेंट

मान लो इसका 2 दो परसेंट कितना निकालोगे 1.4 मतलब दो क्वेश्चन मान लो गलत हुए इसके सत्ताईस क्वेश्चन गलत हुए पीछे भाग गया कि नहीं फेल हो गया ये समझ गए ना फेल हो गया ये कम क्वेश्चन करो सही करो गलत मत करो मैं वही चीज सिखा रहा हूं मेरे भाई मेरी बात समझ गए होगे फेल कौन हुआ ये हो गया जो बड़ा क्वेश्चन अब ये पेपर देख निकला बोला भैया हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ हमने 98 क्वेश्चन किए हम तो बिल्कुल टॉपर बन गए ये रो रहा है बेचारा वाला यार पेपर छूट गया मिस हो गया कैसे करें क्या करें ये कह रहा है बहुत अच्छा हुआ पेपर पेपर होने के बाद जब रिजल्ट के दिन आया तो बोला यार हम तो इतने किए तो ये इतना कम वाला पास कैसे हो गया चीटिंग हुई क्या अरे चीटिंग नहीं हुई मेरे भाई वो एक्यूरेसी की बात कर रहे थे बात मेरी समझे कि नहीं मेरी बात समझ में आए कि नहीं एक्यूरेसी की बात कर रहे थे आपके गलत नहीं होने चाहिए क्वेश्चन तभी मैं सिखा रहा हूं एक एक चीज बताता हूं बात समझे ना बच्चों इसीलिए आपको हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए क्वेश्चन करो सॉलिड करो फालतू में कुछ चीजों का नहीं ठीक है देखो इसमें अभी सम संख्या का आप निकालोगे तो सम आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी मेरी बात आप समझ गए होंगे तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं कल से हम लोग इसी के आगे क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे ध्यान रखना बेटा आपकी एक्यूरेसी 100 होनी चाहिए समझ गए ना तो आज के लिए इतना ही हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसी के आगे के क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कल कुछ बच्चे बोल रहे थे सर इसके चार भी हो सकता है सात भी हो सकता है तो इसको जल्दी से ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों ट्राई करिए थर्टी सेकंड है आपके पास थर्टी सेकेंड है जल्दी से बताया इस क्वेश्चन का आंसर क्या है रुपेंद्र सिंह अच्छा सभी लोग फटाफट -फड़ वीडियो शेयर करते जाए बच्चों देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं यहां पे बात करते हैं वो बृहत्तम अंक x जिसकी एक, जिसके लिए एक संख्या फाइव एक्स सेवन नाइन थ्री एक्स फोर है तीन से विभाज्य हो देखो तीन से विभाज्य होने के लिए वो संख्या का सम निकालते हैं तो 5 प्लस एक्स प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस फोर ये नंबर किससे डिवाइड हो थ्री से ठीक है आप इसे ऐसे ही तो लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं देखो सात पांच बारह नौ तीन बारह बारह चौबीस चौबीस और चार अट्ठाईस अट्ठाईस प्लस कितना टू एक्स अब यहां पे थ्री ठीक है तो देखो यहां पे आप टू एक्स लिख सकते हो तो यहां पे आप कौन कौन से ऑप्शन आ सकते हैं तो x व बृहत्तम अंक बृहत्तम अंक मतलब समझ रहे हो ना कल कोई बोल रहा था सेवन आएगा बृहत्तम का मतलब होता है बड़ा बेटा आपसे यहां बड़ा नंबर पूछा है क्या बड़ा नंबर तो यहां बड़ा नंबर देखो चार अब देखो यहां दो नंबर आपके मिल रहे होंगे सात भी मिल रहे होंगे चार भी मिल रहे होंगे बट हम पुट क्या करेंगे यहां पे सात करेंगे कि चार करेंगे बोलो बेटा सात पुट करेंगे चार यहां पे बड़ा नंबर बृहत्तम नंबर पूछा है तो देखो इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तीन से तीन नवा सत्ताईस तो वन प्लस टू एक्स तो देखो यहां पे थ्री डिवाइड होना चाहिए तो एक्स बराबर फोर भी रख सकते हैं एक्स बराबर सात भी रख सकते हैं बट आपसे बृहत्तम नंबर पूछा है तो चार नहीं सात रखेंगे तो आंसर आपका क्या होगा सात बेटा क्लियर हुआ कि नहीं जो कल पूछ रहे थे क्लियर हुआ ना सभी को तो मूव बोलते अपने कल हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ तो उन क्वेश्चनों को कंटिन्यू आगे डिस्कस करते हैं यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे हम्म एक मिनट तो ये क्वेश्चन आप लोगों को यहां से हमें डिस्कस करना स्टार्ट किया लास्ट क्वेश्चन हमने यही डिस्कस किया यही था कल बच्चों आई थिंक यही क्वेश्चन था लास्ट थर्टी सेकंड है आप लोगों के पास यहीं से फिर से स्टार्ट कर देते हैं ट्राई करिए सभी लोग हाय इंग्लिश ट्रांसलेट ऑफ दिस क्वेश्चन ओके इंग्लिश में आपको मिल जाएगा आप सभी लोग अच्छा वीडियो लाइक और शेयर करते जाओ बच्चों लोग ट्राई करो देखो यहां पे कर सकते हैं एक से लेकर सौ तक पूर्ण संख्या दो या पांच से विभाज्य उनका सब निकालना है तो सबसे पहले आपको एक से लेकर दो से पांच से विभाज्य है तो पहले एक से लेके एक दो से विभाज्य होने वाले नंबर देखो दो से विभाज्य होने वाले नंबर आप कौन कौन से लिखोगे भाई सबसे पहले दो लिखोगे फिर सम निकाल चार हो फिर लिखोगे छह लिखोगे फिर आठ लिखोगे फिर दस लिखोगे डॉट डॉट तक, तक. बात समझ में आ रही है ये दो वाले हो गए फिर पांच वाले आपके कौन से होंगे प्लस पांच हो गए दस हो गए पंद्रह हो गए प्लस डॉट डॉट सौ हो गए कि नहीं बोलो सौ so, हो गए ना फिर आपसे बोल रहा है कि देखो ये दस दो बार रिपीट हो गया बेटा ये आपका रिपीट हो गया दस ये भी दस रिपीट हो गया बोलो हाँ कि ना रिपीट हुआ कि नहीं बेटा आपसे अच्छा ट्रांसलेट करे दे रहे वन टू हंड्रेड ऐसे पूर्ण मतलब होल नंबर कितने हैं वन टू हंड्रेड ऐसे होल नंबर कितने हैं जो टू से डिविजिबल हो या फाइव से डिविजिबल हो मेरी बात समझ पा रहे हैं? मिलन मिलन जी मेरी बात समझ पा रहे वन टू हंड्रेड पूर्ण होल नंबर का सम क्या होगा जो टू से डिविजिबल होंगे और फाइव से डिविजिबल होंगे ठीक है समझ कि नहीं बच्चों तो अब यहाँ पे हमें नंबर लिखना है तो देखो तो दस दो बार काउंट हो गए मतलब हमें जो दस वाली सीरीज है वो माइनस करना पड़ेगा तो हम माइनस क्या करेंगे बेटा दस वाला नंबर इसे क्या करेंगे माइनस करेंगे तो दस बीस डॉट 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 प्लस सौ यही लिखेंगे कि नहीं बोलो हाँ कि ना बच्चों तो अब देखो इसका में सम निकालना तो यार कितने होंगे दो दो के पेयर हैं तो यदि हम हंड्रेड लिखते हैं बेटा तो हंड्रेड को हम किससे डिवाइड करेंगे टू से तो आप फिफ्टी नंबर होंगे और आपको पता है सम ऑफ नंबर यदि हम निकालते हैं एन बाई टू फर्स्ट प्लस लास्ट <coughs> फर्स्ट प्लस लास्ट यदि ये पचास नंबर यहां होंगे ये सौ में हम पांच से डिवाइड करेंगे बीस नंबर यहां होंगे सौ को हम दस से डिवाइड करेंगे दस नंबर यहां होंगे समझ में आया कि नहीं तो अब इसका सम निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट तो एन पचास नंबर है तो इसका सम निकालना है पचास बटे दो प्लस फर्स्ट दो आखिरी सौ दूसरा यहां पे बीस नंबर है तो बीस बटे दो पहला नंबर पांच आखिरी नंबर सौ दूसरा माइनस ये नंबर कितना दस नंबर है दस बटे दो पहला नंबर दस आखिरी नंबर सौ इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे ठीक है सॉल्व करने पे आपका आंसर जो भी आएगा आएगा तीस पचास ठीक है कि नहीं बोलो हाँ कि ना बेटा यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखो यहां पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी फिफ्टी वन गुड़े पचास प्लस दस 10 गुड़े एक सौ पांच यही आएगा कि नहीं बोलो हाँ कि ना बच्चों समझ पा रहे हो ना मेरी बात को यहां माइनस करोगे बेटा कितना आ जाएगा पांच और कितना आ जाएगा सौ है बेटा एक सौ दस पांच सौ पचास माइनस कर दोगे गलत है, जो है, वो गलत है समझ गए ना राज राज बेटा गलत है सौ आंसर समझ गए ना तो ये आपको सौ सॉल्व करने पे केवल इतने से आएगा कल मैंने बताया भी था सिर्फ इतने से आएगा पैंतीस आपको ये नंबर भी माइनस करना पड़ेगा तो तीस पचास इसका उत्तर आएगा सॉल्व कर लेना शायद आपका उत्तर आएगा क्लियर बेटा छत्तीस सौ कुछ लोग बोलेंगे छत्तीस सौ बट छत्तीस सौ ग्रंथ है तीस पचास इसका उत्तर आएगा सॉल्व कर लेना ये अगला क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा प्रथम चार संख्याओं का योग जल्दी से बताइए बेटा तीस पचास भास्कर पांडे ऑप्शन में नहीं था यह क्वेश्चन ऐसे ही गलत आपसे पूछा जा चुका है तो इसका आंसर आएगा तीस पचास ये मैंने बता दिया तीस पचास आएगा यह है तीस पचास बेटा मैंने लिख दिया ऑलरेडी तीस पचास इसको सॉल्व करने पे अगला क्वेश्चन यह इसको ट्राई करो भास्कर पांडे तीस पचास बोला तो बेटा इसको ट्राई करो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है थर्टी सेकेंड है आपके पास ट्राई करें जल्दी से व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर ट्राई करें देखो यहां पे प्रथम चार अभाज्य पूछ रहा है बेटा प्रथम चार संख्याएं संख्या है। देखो, दो होती है तीन होती है पांच होती है और सात होती है सात तीन दस पांच दो सत्रह तो आपका सत्रह उत्तर आ जाएगा बहुत इजी क्वेश्चन था अब बताओ ऐसे में ऐसे क्वेश्चन आते थे समझ गए ना सत्रह अभी भी यहां उन्नीस कुछ लोग बोल रहे हैं देखो यहां पे कहो चौथी चौथिया बात संख्या मतलब यही है बच्चों आप लोग एक से लेकर सत्ताईस तक सम विषम संख्याओं में योग का अंतर कितना होगा आपसे ये पूछा ट्राई करो आंसर क्या आएगा बहुत छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है कभी कभी चालीस सेकंड दिए दे रहे जल्दी से बताओ जल्दी से बताइए क्या आएगा चलो पूरा बेसिक जानना चाहते हो या ट्रिक जानना चाहते हो यहां पे अंकित ने बिल्कुल सही आंसर दिया गौरव ने बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चों आप लोग सभी लोग वीडियो लाइक करते जाओ सभी लोग वीडियो लाइक कर दो बेसिक जानना चाहते हो या ट्रिक जानना चाहते हो बाईस कुछ लोग बोल रहे हैं और कुछ लोग चौदह बोल रहे हैं कितने लोग बेसिक जानना चाहते हो इसका चौदह राइट आंसर है जानना चाहोगे चौदह इसका राइट आंसर है अच्छा कुछ लोग पहले बेसिक समझ लो देखो बेटा एक बात बताओ सब लोग देखना मजा आ जाएगा आप लोगों को अभी देखना ध्यान से जैसे मैं बच्चों एक बात ये बोलूं कि एक प्लस दो देखो विषम संख्या के बारे में पहले ऑड नंबर विषम संख्या के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं जैसे मैंने बोला एक तीन पांच जैसे मैंने बोला देखो ध्यान समझना एक प्लस तीन प्लस पांच इस संख्या का एवरेज निकालूंगा तो बेटा क्या आएगा जल्दी से बताओ बताओ यदि मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो क्या आएगा बेटा औसत जितनी संख्याएं होती हैं देखो यहां पे मिडिल नंबर तीन मिल रहा है ना बेटा देखो तीन मिल रहा है तो इसका एवरेज आप लिखोगे तीन ध्यान समझना सारी चीजें बट इसका यदि मैं सम बोलू सम क्या आएगा बेटा इसका सम क्या आएगा सम क्या आएगा जल्दी से बोलो सम क्या आएगा सम निकालोगे तो देखो ध्यान समझना पाँच तीन आठ एक नौ तो देखो ये नौ आएगा तो ये तीन का स्क्वायर लिखा है कि नहीं बच्चों देखो ये तीन का स्क्वायर ही तो करोगे तीन का स्क्वायर बराबर नौ मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बोलो हां की ना सम क्या नौ इसी तरीके यदि और नंबर में बेटा इस तरीके से एक और नंबर लेता हूं एक प्लस तीन प्लस पांच प्लस सात दो बेटा यहां पे नंबर कितने एक दो तीन चार चार नंबर होंगे ध्यान से देखना सम क्या होगा चार का स्क्वायर बराबर सोलह दिख रहा है कि नहीं तो देखो यहां पे सोलह देखो सात तीन दस छ एक सोलह हो रहा है कि नहीं बोलो हां कि ना बच्चों समझ गए कि नहीं तो अब देखो यहां पे ये यह मिडिल नंबर यहां पे क्या मिलेगा देखो बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो बड़े मुश्किल से तो एग्जाम हो रहा है अब थोड़ा ये मिडिल नंबर चार आया कि नहीं बच्चों देखो पढ़ाई पे ध्यान दो बड़ी मुश्किल से एग्जाम हो रहा है आप फालतू की इधर उधर चीजों में किसी ने मैसेज किया तो हाय लिखे जा रहे हो बाय लिखे जा रहे हो इसमें क्या मिलने वाला है मेरे भाई इस पे आ जाओ और सभी लोग भाई वीडियो लाइक कर दो मेरी बात समझ में आई कि नहीं बोलो हाँ कि ना चार तो देखो किसी भी ऑड नंबर को आपको दिखाना है तो एक से लेकर सत्ताईस तक विषम संख्याएं क्या होंगी तो जब भी हम एक से लेकर सत्ताईस तक विषम संख्या लिखते हैं तो उसका सम कितना आएगा? देखो बेटा विषम संख्या क्या होती है हर विषम संख्या दो दो के गैप पे चलती है जैसे आपने लिखा एक प्लस तीन प्लस पांच दो दो के गैप में चलती है तो ऐसे यहां से एक प्लस तीन प्लस पांच प्लस सात डॉट 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 प्लस नंबर कितने होंगे यदि आप नंबर निकालते हो देखो नंबर कितने होंगे देखो इसको सत्ताईस तो यहाँ पे नंबर निकालोगे बेटा कितने होंगे विषम नंबर सत्ताईस प्लस एक अट्ठाईस बटे दो तो चौदह होंगे कि नहीं तो बेटा सम क्या आएगा अभी बताया था जितने नंबर होते हैं उसका स्क्वायर कर दोगे वन नाइनटी सिक्स आएगा कि नहीं बोलो समझ में आया कि नहीं वन नाइनटी आया कि नहीं अब मैं ये ऑड नंबर हो गया मैं इवेन नंबर की बात करता हूं जैसे मैंने बोला दो चार छह अब देखो दो चार छ दो चार बात समझ पा रहे होगी नहीं बच्चों बोलो ना दो चार छब्बीस आएगा बेटा ये समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ यदि सम का निकालते हो तो सम का क्या आता है जल्दी से बताओ बेटा या आप इस तरीके से भी कर सकते हो दो चार छह सत्ताईस या आप इस तरीके से कह रहे हो सत्ताईस तक है तो इवेंट नंबर का आप इस तरीके से ट्वेंटी सेवन माइनस वन डिवाइड बाई टू तो तेरह नंबर आ जाएंगे क्योंकि चौदह यदि आपके और नंबर हैं तो इवेंट नंबर क्या होंगे तेरह होंगे अब ध्यान समझना जब भी हम इवेंट नंबर का सम निकालते हैं जो एन नंबर होता है एन प्लस वन ये होता है तो हम लिखेंगे तेरह अगुड़े चौदह मेरी बात समझ में कि नहीं बच्चों बोलो हाँ कि ना मेरी बात समझ में कि नहीं

इसे ट्राई करो इनमें कौन सी रूढ़ संख्या रूढ़ को हम बोलते हैं प्राइम नंबर बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्राइम नंबर इसको क्या बोलते हैं प्राइम नंबर इसे क्या बोलते हैं प्राइम नंबर अभाज्य संख्या इसको क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या भाई देखो सभी लोग लाइक कर दो यार इसको क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या जल्दी से ट्राई करो टाइमर आपका ये है स्टार्ट करो जल्दी से बताओ जल्दी से देखो भाई इतने लोग देख रहे हो कम से कम लाइक तो कर दो यार सी टू फोर्टी सेवन यहां पर बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं मुकेश मोनिका देखो बेटा ये ग्यारह का मल्टीपल है कैसे पता चल रहा है देखो सात एक आठ आठ ये ग्यारह का मल्टीपल है समझ में आ रहा है कि नहीं अब ये बताओ सत्रह का मल्टीपल है सत्रह सत्ते में आ रहा है कि नहीं ये का मल्टीपल है ये आपका किसी का मल्टीपल थ्री थ्री वन ये किसी का मल्टीपल नहीं है तो प्राइम नंबर आपका यही हुआ क्योंकि ये देखो किसका मल्टीपल है बेटा ये आपका मल्टीपल है भाई ये समझ में आ रहा है कि नहीं पहले बताओ ये मल्टीपल किसका है ग्यारह का ये किसका मल्टीपल है सत्रह का ये किसका मल्टीपल है उन्नीस का ये किसी का नहीं है तो आपका यही प्राइम नंबर हुआ अभाज्य संख्या हुई बोलो हां कि ना बेटा समझ गए ना 247 बेटा नौ का मल्टीपल है नहीं समझ में आया 19 का 19 से डिविजल होगा इस क्वेश्चन को ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बड़ा इजी क्वेश्चन है तुम्हारा डाउट अभी मैं बताता हूं क्या नाम है वीएस अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन मैं बता दूंगा वीएस तो क्या करूंगी क्या वी का क्वेश्चन बताया जाए बच्चे डिसाइड करेंगे यदि बच्चे सारे कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन बता दो तो मैं जरूर बता दूंगा ये जितने बच्चे हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके और बोलेंगे कि सर यह क्वेश्चन बता दो तो मैं बता दूंगा जल्दी से देखो 40 परसेंट मिश्रण में 60 परसेंट क्या है दूध की मात्रा है यदि 40 का 60 परसेंट दूध है तो बेटा छह चौक चौबीस दो दूध हुआ तो एक आपका पानी हुआ बोलो हां की ना कितना पानी मिला है कि तीस परसेंट हो जाए दूध तीस परसेंट हो जाए जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि? पहले ये क्वेश्चन बताओ देखो यहां पे तीन कितनी बार है एक डिजिट दो डिजिट तीन डिजिट तो तीन बटे सौ कहीं लिखा है तीन अच्छा जीरो कितने होंगे दो जीर तो जीरो होंगे यहां पे कंफ्यूजन बी और सी में होता है रेलवे यहां तो पे तीन डिजिट है तो तीन पसंद आया तो बेटा लाइक कर दो तो ऑप्शन सी देख के आंसर मानना था बोलो समझ में आया कि नहीं बोलो बेटा बेटा सभी लोग वीडियो को यार शेयर करते जाओ अगला क्वेश्चन आपका ये है तीन से लेकर उनतालीस तक एस एम दो हजार दो हजार चार का क्वेश्चन है इसको ट्राई करो सभी लोग इसको ट्राई करो बच्चों क्या आएगा आंसर जल्दी से ट्राई करो बिल्कुल इसका पीडीएफ मिल जाएगा बेटा मगर यार आप लोग वीडियो लाइक कर दो आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो इतने लोग देख रहे हो बट क्लास कोई लाइक नहीं कर रहा यार ये बड़ी ना इंसाफी देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 30 से उनतालीस मिनट तक सभी प्राकृतिक संख्या है। तो बेटा बताओ 30 से उनतालीस ध्यान समझना यदि हम आखिरी नंबर को देखो कभी भी किसी नंबर सिक्वेंस दिया है तीस इकतीस बत्तीस

सम क्या होता है एन बाई टू नंबर ऑफ टर्न एन बाई टू फर्स्ट प्लस लास्ट यही तो करते हो बेटा यदि हम इसको करते हैं तो एन कितना आ गया? बटे दो, first number 30, आखरी number 39, आ गया फर्स्ट नंबर नंबर आखिरी आपका सम जाएगा बोलो हाँ कि ना बेटा क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक सबको क्लियर हुआ तो मैं इस तरीके से इसको बोल सकता हूं पांच उनतालीस ये तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये पूरा आपको आंसर मिल जाएगा बेटा समझ में आया कि नहीं बोलो हाँ कि ना तो आपको तीन मिल जाएगा तीन आपका उत्तर आ जाएगा अच्छा कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए ऐसे सॉल्व भी नहीं करना ऐसे एग्जाम में करना ही नहीं मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था कितने लोगों को याद है अच्छा एक बार बताओ इसका कोई बढ़िया मजेदार तरीका बताएं मजेदार तरीका बताएं कि नहीं ये पहले बताओ बताएं सभी लोग कमेंट करो कि मजेदार तरीका बताते हैं देखो ये आप सीक्वेंस से ऐड कर रहे हो सब कुछ कर रहे हो मैं आपको एक सीक्वेंस नंबर बता रहा हूं कितने लोग यहां पे एक से लेकर दस तक की संख्याओं का योग जानते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ये कितने लोग इनका हैं बेटा रिपीट से एक बार फिर से देख लेना ठीक देखो मजेदार तरीका देखो बताओ बताओ इनको जोड़ते हो तो क्या आता है इनको जोड़ना आता है ना घर बैठे जोड़े होंगे नौ एक दस आठ दो दस तीन सात दस चार छ दस तो चालीस दस पचास पांच पचपन बोलो हां कि ना इसका सम पचपन आता है सभी को आता है कि नहीं पहले बताओ आता है कि नहीं बोलो हां कि ना पचपन अच्छा मैं एक बात बोलूं कि इसको अब बोल दूं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ इसका सम क्या आएगा इसका सम क्या आएगा बेटा जल्दी से बताओ कितने का सम क्या आएगा यदि मैं अब दस हटा दूं तो इसका सम क्या आएगा जल्दी से बोलो बेटा इसका सम क्या आएगा सम क्या आएगा देखो आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे जल्दी से बताओ इसका सम क्या आएगा इसका सम तो आप बोलोगे पैतालीस ना क्योंकि दस हट गया बोलो हाँ कि ना तीस से लेके नौ तो तीस था फिर इकतीस था फिर बत्तीस था फिर तेतीस था फिर चौतीस था तो देखो तीस फिर तीस फिर तीस तीस को इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं देखो बेटा ध्यान समझना अभी मैं आपको ओरल अभी करा रहा हूं इसको लिखने की जरूरत नहीं थी तीस प्लस तीस प्लस एक तीस प्लस दो प्लस तीस प्लस तीन प्लस प्लस चार तो देखो ये एक दो तीन चार डॉट 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 कहां तक तीस प्लस नौ तक जाता कि नहीं तो देखो ये एक दो तीन चार नौ तक तो पैंतालीस आता लास्ट में कि नहीं तो पैतालीस बेटा कहाँ है बाकी तो जीरो पे 45 ऑप्शन ये था खत्म क्वेश्चन केवल यही समझना था भाई मैंने इसको लिखा कैसे 30 ध्यान से देखना इस सब को मैं आपको बढ़िया तरीके से बताता हूं कि x लेके 10 तक का 55 आता है x लेके 9 तक का 45 आता है तो आपको यही तो लिखना था बच्चों बोलो हाँ कि ना भाई आप इसको यही तो लिख सकते थे इस तरीके से क्या आपने बोला कि 30 फिर क्या लिखोगे प्लस लिखोगे फिर तीस प्लस दो लिखोगे फिर तीस प्लस तीन लिखोगे फिर तीस प्लस चार लिखोगे फिर तीस प्लस पांच ये सब दिमाग में चलना चाहिए प्लस तीस प्लस छह लिखोगे प्लस तीस प्लस सात लिखोगे प्लस तीस प्लस आठ लिखोगे तीस प्लस नौ लिखोगे तो देखो ये एक दो तीन एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ तो पैंतालीस हुआ कि नहीं बोलो हा कि ना समझ में आया कि नहीं तो ये पैंतालीस लास्ट में आएगा तीस कितनी बार ग्यारह सौ समझ में आया कि नहीं बोलो हाँ कि ना तीस कितनी बार दस बार होंगे कि नहीं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस तो दसिया तीन सौ तीन सौ ये और पैंतालीस तो लास्ट में रहेगा रहेगा तो आपको तीन सौ पैंतालीस इस तरीके से भी कर सकते थे अच्छा मजा आया हो तो जितने लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो लाइक कर दो समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि नहीं बच्चों बड़ा मेरा नाम सुर्खियों में रहता है समझ गए अच्छा मेरा नाम पूछ रहा है देखो नाम में कुछ रखा नहीं है वैसे आप पूछ रहे हो तो बता देते हर क्लास में नाम पूछते हो देखो मेरा नाम में मैथमेटिक्स है आप इधर से लिखना तो भी वही लिख लोगे इधर से लिखोगे तो भी वही लिख लोगे चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो नाम में वही है समझ में आए कि नहीं भैया एक बार अपना क्वेश्चन और भेजो समझ में आया ना तो हमने एक से लेकर नौ तक का पैतालीस देखा पैतालीस में हमने देखा कि लास्ट इसका पैतालीस उत्तर है बोलो हाँ सभी लोग लाइक करो बेटा इस क्वेश्चन को ट्राई करो माइनस सौ से प्लस सौ के बीच कितनी संख्या है पोल आपका मतलब ये आपका टाइमर ये सभी लोग ट्राई करें बच्चों व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर थर्टी सेकंड आपके पास है अच्छा आपका नेम नयन इसको ट्राई करो क्या आंसर तुम्हारा बताएंगे जल्दी बताएंगे टेंशन मत लो देखें यहां कितने लोग सही बता रहे हैं 99 कोई बी कोई 200 बोल रहा है हाँ 200 भी बोलेंगे रेलवे आपको यही तो करता है भाई देखो वीडियो यार लाइक कर दो बार बार क्यों बुलवाते हो समझे इतने लोग देख रहे हो ढाई सौ लोग देख रहे हो लाइक यार केवल एक सौ तैतीस है दुख होता है रे देखो अच्छा सभी लोग <coughs> बेटा वर्ड समझो वर्ड क्या है के बीच के बीच दो नंबर हटा रहा है माइनस सौ से प्लस सौ में तो दो सौ नंबर होते हैं के बीच मतलब दो नंबर हटाने हैं तो वन नाइनटी एट आपका उत्तर आएगा वर्ड को समझा करो तुम आप स्पीड स्पीड में यही मार खा जाते हो समझ में आया कि नहीं वन नाइनटी एट के बीच भैया ना सौ माइनस सौ लेना है ना प्लस का सौ लेना है इनके बीच बताना है तो इनके बीच वन एट होंगे कि नहीं बोलो हां कि ना बोलो हां कि ना वन सेवन नहीं वन एट बेटा समझ में आया सबके मजा आया हो तो लाइक करते जाओ अगला क्वेश्चन ये जल्दी से इसको ट्राई करो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है लोग ट्राई करो थर्टी सेकेंड है ट्राई करो सभी लोग व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर जल्दी से ट्राई करो देखो यहां पे बच्चों सी यहां पूछा है पांच का स्थानीय मान क्या होगा यहां पे कई लोग पांच सौ बोल रहे कई लोग पचास बोल रहे क्या हो सकता है चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ पांच कितने डिजिट पे दो पे है ना तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे पांच का स्थानीय मान कितना हुआ बेटा पांच सौ क्योंकि दो डिजिट पे दो जीरो क्लियर है कि नहीं बोलो हाँ कि ना पांच सौ अरे बेटा नाम में क्या रखा है कितनी बार हम बताएंगे बताओ कितनी बार ये चीजें चलेंगे अभी बाइनरी वाला हम दो बार बाद में करेंगे इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो इसको ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ट्राई करो बेटा मेथड तो बता ही नहीं रहे इकाई का अंक क्या होगा ट्राई करो क्या आएगा बेटा ये प्लस कर लेना यहां पे टाइम अप होता है आपका जल्दी से बताओ क्या आएगा अच्छा आप सभी लोग लाइक भी करते जाओ सी वन यहां पे सी पांच बोल रहे हैं कुछ लोग थ्री बी वन देखो भाई यार आप लोग इसी में कंफ्यूज हो देखो बच्चों इसका यूनिट डिजिट देखो ध्यान से लॉजिक सोचो जैसे मैंने बोला सत्रह की पावर उन्नीस सौ निन्यानवे रेलवे आपको सिर्फ इसी में पगलवा देता है कि पागल हो जाओ थोड़ा सा ये बताओ इसका इकाई का अंक सात है इसका इकाई का अंक सात है पावर सेम है तो इसका यूनिट डिजिट तो सात जो भी आएगा तो आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं इकाई का अंक नंबर नहीं कैंसिल होगा इकाई का अंक तो कैंसिल हो जाएगा ना तो बच्चा है, एक की पावर कुछ भी हो तो यूनिट तो एक रहे ही रहेगा आंसर ये तो कुछ लोग इसको कहा चार से डिवाइड करके अभी कर रहे हो सॉल्व ये सब नहीं करना है मेरे भाई अरे भा, भाई साहब आरबी आर बी आर, 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 भोपाल एस एम दो हजार के पूछे गए क्वेश्चन है राज चौधरी अब कौन सा लेवल पढ़ाएं एसएससी सीजल मेंस का बैच पढ़ना हो तो पढ़ लेना मेरे से अेडमी लर्निंग ऐप पे आप वहां पे इनरोल करके ठीक है बहुत हाई लेवल की चीजें मैं पढ़ाता वहां वहां पे पे बहुत हाई लेवल की तो पढ़ लेना वहाँ पे बेटा बट यहां पे जो चीजें हम पढ़ा रहे वो पढ़ो रेलवे में यही आता है रेलवे में आपसे साइंस का पोर्शन अच्छा पूछता है मैथ्स आपको लॉजिकली और लैंग्वेज बेस्ट ज्यादा पूछता है मेरी बात समझे ना समझे कि नहीं भाई अच्छा आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते जाओ अगला क्वेश्चन ये जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो इसका स्थानीय मान क्या आएगा जल्दी से बताओ स्थानीय गुड्स कार्ड में मान बहुत आता है आप देखिए स्थानीय मान के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं जल्दी से आंसर बताओ बच्चों जल्दी से बताओ इसमें आंसर क्या आएगा पांच बटे सौ पचास आएगा जल्दी से बोलो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों डी आएगा पता है कि नहीं डी आएगा क्लियर है कि नहीं सबको डी वेरी गुड सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया डी इज राइट आंसर पांच है कितने टू डिजिट के बाद देखो, पांच है कितना ये तो जीरो का हम कोई अस्तित्व तो नहीं रखेंगे पांच पे तो कितने जीरो पे जाएगा दो जीरो पे जाएगा क्लियर है ना अगला क्वेश्चन ये जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो देखो चंडीगढ़ में भी सारे बोर्ड में स्थानीय मान आपसे पूछता है आप लोग स्थानीय मान पढ़ के जाइएगा एक क्वेश्चन शायद मिल जाए स्थानीय मान का वहां पे तो आप लोगों को पैटर्न से ये पता चलता है कि स्थानीय मान के क्वेश्चन पहले आते थे इस क्वेश्चन को ट्राई करो इसका आंसर क्या आएगा पांच बटे सौ या पांच बटे एक हजार पांच बटे सौ पांच बटे एक हजार राज चौधरी आप इस क्वेश्चन का आंसर दो अनुज कुमार वेरी गुड बेटा इसी में कंफ्यूज हो गए सी और बी में राज चौधरी बताओ क्या आएगा इसका सी आएगा बी आएगा स्पेशली राज चौधरी के लिए लेवल हाई होना चाहिए बेटा सभी लोग लाइक भी करते जाओ सभी लोग प्लीज इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर किसी का डाउट है सी इज राइट आंसर क्योंकि देखो तो पॉइंट के बाद हम लोग इसको लिखते हैं स्थानीय मान का मतलब समझते हो कि नहीं आप लोग पहले बताओ देखो स्थानीय मान ये होता है जैसे इकाई के अंक का स्थानीय ध्यान समझना इकाई के अंक का स्थानीय एक होता है दहाई के अंक का स्थानीय कितना होता है दस होता है इकाई के अंक इकाई के अंक स्थानीय मान मैं ऐसे लिखे दे रहा हूं इकाई के अंक स्थानीय मान एक होता है समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा समझ गए ना समझ गए स्थाई और दहाई के अंक का स्थानीय मान कितना होता है दस होता है सैकड़े का क्या होगा सौ होगा इसी तरीके से पॉइंट हटाएंगे तो ध्यान से समझना बच्चों जब हम इस नंबर पर पॉइंट हटाते हैं तो यही नंबर लिखेंगे सिक्स फाइव सिक्स फाइव थ्री सेवन नीचे जीरो कितने आएंगे बट डिजिट तो एक दो तीन चार पांच है ना दो दो चार एक पांच तो देखो तो पांच आएगा तो इधर से ही लिखेंगे एक दो तीन चार पांच ये समझे कि नहीं बोलो हाँ कि ना बेटा समझ में आया कि नहीं बोलो हाँ कि ना तो डिजिट कितनी है एक दो तीन चार दो दो चार एक पांच बोलो मेरी बात समझ में आए कि नहीं बच्चों दो, दो चार एक पांच मेरी बात समझ में आई कि नहीं अच्छा पांच है दो दो चार हमने चार जीरो लिखे एक जीरो और आएगा पांच जीरो आएगा बोलो हां कि ना बेटा समझ में आया कि नहीं सबके ये समझ में आया पांच जीरो हमने इस नंबर को पॉइंट हटाया ऐसे लिख दिया किसी कोई दिक्कत अब स्थानीय मान हमें लिखना है तो पांच में कितना है इकाई दहाई सैकड़ा तो पांच सो बटे एक दो तीन चार पांच तो दो जीरो दो जीरो कर जाएगा, तो पांच बटे, वन थाउजेंड नहीं आ रहा है समझ में आया कि नहीं स्थानीय मान बोलो हाँ कि ना बेटा समझे कि नहीं तो हमें पांच के स्थानीय मान कितने एक दो इकाई दहाई दहाई अंक पे आया कि नहीं देखो बेटा इकाई दहाई तो यदि हम दहाई के अंक के बोलते हैं ये दहाई का अंक है समझना इकाई इसको हमने बोला था दाही देखो बेटा सब लोग समझ पाए कि नहीं इसे बोला था दहाई तथा सैकड़े के मान कितना आएगा आएगा तो इकाई दाही सैकड़ा पांच सौ बटे पूरा नंबर हमने कट किया तो ये आया क्लियर हुआ कि नहीं बोलो हाँ कि ना सबको क्लियर हुआ और यदि क्लियर हुआ हो तो आप सभी लोग लाइक कर दो बच्चों बोलो हा कि सभी को क्लियर हुआ ना हर एक चीज क्लियर कर दी देखो बेटा यहाँ पे पॉइंट था नंबर अरे मेरे भाई समझो ये पॉइंट हटाया तो पॉइंट कितने नंबर था एक दो तीन चार पांच पांच जीरो हमने लगाए दो दो चार एक पांच एक दो तीन चार पांच जीरो नंबर ऐसे लिखा हमें इस पांच का चाहिए स्थानीय मान तो पांच में कितने नंबर इकाई दहाई सैकड़ा सैकड़े पे इकाई दाही सैकड़ा सैकड़े पे दो जीरो लगेंगे दो जीरो कट जाएंगे तो आपके ये दो जीरो हटेंगे तो तीन जीरो वाला ही तो आएगा बोलो हाँ कि ना सर ये पहली बार सीखा जिंदगी में थैंक यू ओके रिपीट कर दिया एक बार लाइक एंड शेयर भी करते जाओ भाई ठीक है इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है बहुत हलुआ क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों रेशनल नंबर है परिमेय का मतलब हिंदी में है रेशनल नंबर जल्दी से ट्राई करें परिमेय का मतलब है रेशनल नंबर का मतलब है रेशनल नंबर जल्दी से बताओ टाइम अप होता है आपका ठीक है अच्छा आप सभी लोग बेटा लाइक करते जाओ शेयर करते जाओ सभी लोग फटाफट फटाफट बेटा लाइक और शेयर करते जाओ प्लीज तो परिमेय बाईस बटे सात देखो बाईस बटे सात की बात कर रहे हैं हम लोग देखो यहां पे निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है यहां पे कुछ लोग बाईस बटे सात बोल रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं ये देखो परिमेय संख्या वो होती है जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है परिमेय संख्या, परिमे संख्या तो ये परिमेय संख्या नहीं होती बाईस बटे सात परिमेय संख्या होती है पता है कि नहीं तो ना तो ये हो सकती है ना तो ये हो सकती है ना तो ये आपका ऑप्शन आंसर होगा ध्यान समझना ग्यारह परिमेय संख्या नहीं है डी ध्यान समझना डी इज राइट right आंसर यहां पे डी इज राइट आंसर है ठीक है एक बात समझो पी की एक बात बताओ मुझे पाई की वैल्यू कितनी होती है पाई के बारे में थोड़ा सा जानोगे पाई की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बताओ पाई की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बोलो सभी लोग पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों पाई की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बताओ पाई की वैल्यू कितनी होती है फटाफट बताओ पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों पाई की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बोलो यार अच्छा बाईस बटे सात की वैल्यू कितनी होती है इसके बारे में समझोगे कुछ आप लोग अच्छी से चलो पाई की वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर से निकालोगे देखो पाई की जो वैल्यू होती है आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर लेना बेटा फ्रैक्शन फॉर्म में थोड़ा लिखा जाता है परिमेय संख्या जैसे मैंने इसको लिखा थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव टू फाइव नाइन आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना फाइव नाइन टू सिक्स फाइव थ्री फाइव एट यह ऐसे चलती चली जाएगी बाईस बटे सात की वैल्यू क्या होती है बच्चों इसको लिखते हैं थ्री पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन टू एट फाइव सेवन ये ध्यान समझना ये दो चीजों को ध्यान समझना देखो मैंने आपको सिर्फ देख के इसलिए बताया रुको समझो यहाँ पे कुछ लोगों के भ्रम रहता है भ्रम क्या रहता है ध्यान समझना भ्रम ये रहता है कि सर ये दोनों सेम है ये अलग वैल्यू है ये अलग वैल्यू है सिर्फ इतनी वैल्यू मिलती है इसलिए हम लोग इसे यूज कर लेते हैं सिर्फ इतनी वैल्यू मिलती है इसलिए यूज करते हैं जब नासा में जाता है नासा में जब रिसर्च होती है मेरे भाई ध्यान समझना <coughs> अरे मेरा शुभ नाम भाई नितिन तिवारी है क्यों मेरे नाम के पीछे पड़े हो ये नितिन तिवारी है भाई मेरा नाम बस आप पूछ रहे हैं बार बार मेरा नाम तो मेरा नाम नितिन तिवारी है ठीक है मेरे भाई अब देखो यहां पे पाई की जो वैल्यू होती है वो इतनी और ट्वेंटी टू बाई सेवन की इतनी बाकी इसके बाद पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होती नासा में जो रिसर्च होती है बच्चों वो आपकी जो पाई है पाई की पॉइंट के बाद इस दशमलव के बाद सौ डिजिट की वैल्यू ली जाती है तब कहीं एक्यूरेट रिसर्च आती है समझ गए ना बेटा फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है अनंतराज समझ गए ना अब यहाँ पे 22 सात जो है वो देखो रिपीट वैल्यू आती है जब रिपीट वैल्यू होती है तो इसके ऊपर क्या बार लगाया जा सकता है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं इसके ऊपर बार लगा जा सकता है और जिस वैल्यू को हम बार लगा सकते हैं उसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में और जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है वो परिमेय संख्या होती है बोलो हाँ की ना क्लियर है कि नहीं समझ गए ना बेटा डिस्प्ले चेंज होती है तो नाम क्यों ना रिमूव करें तो ध्यान समझना तो एक बात बताओ मुझे सब लोग ये क्वेश्चन अभी हम लोग बताएंगे इसका स्थानीय मान निकालो सभी लोग मुझे एक बात ही बताओ कि क्या 22 बटे सात और पाई दोनों सेम वैल्यू होती हैं जरा बताओ मुझे सभी लोग आज क्लियर हुआ कि नहीं क्या 22 बटे सात और क्या 22 बटे सात और बेटा एक से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो सारे नंबर होते हैं एक को छोड़ के होता है ठीक है ना पी बाई क्यू फॉर्म में तो क्या बाईस और पाई दोनों सेम वैल्यू होती हैं नहीं दोनों अलग अलग होती हैं शुरू की चार डिजिट मिलती हैं पॉइंट के बाद इसलिए हम उसको यूज कर लेते हैं क्लियर है ना आई होप सबको डाउट क्लियर हो गया पाई और आपका ट्वेंटी टू बाई सेवन बोथ आर डिफरेंट इसे ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा क्लियर है देखो हम इसको यह समझ सकते हैं बच्चों यहां पे यह वैल्यू है कि आठ है देखो तो आठ कितने डिजिट के बाद है <coughs> बताइए जल्दी से क्या आएगा इसका क्या हो सकता है आठ कितने डिजिट के बाद है बोलो बेटा तीन डिजिट के बाद है तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार इकाई दहाई सैकड़ा हजार तो आपका स्थानीय यह नहीं होगा भाई समझो स्थानीय मान यही तो होगा कुछ लोग डी बोल रहे हैं सी सी कुछ लोग बोल रहे हैं एट टू नाइन एट नाइन टू सिक्स भाई मान आपका नंबर का वो डेसिमल प्लेस बताता है जैसे इकाई दहाई अंक सैकड़े का तो यहां पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार तो इकाई हजार थाउजेंड पे मिल रहा है कि नहीं तो एट हजार तो ही होगा समझ गए कि नहीं स्थानीय इस इसका क्या होगा बेटा क्यों आप लोग जबरदस्ती गलत बोल लो या गलत बोलने की आदत हो गई मेरे भाई आप लोग थोड़ा सा ध्यान से बोलो और अच्छे से आंसर बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं अब इसके बाद बहुत हलवा क्वेश्चन है सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे प्रथम तो अभाज्य संख्या कौन सी है प्रथम आभास संख्या इसको बीस सेकंड दे देते हैं करो बेटा तुमको हम बता दें कि का देखो तो पेपर यदि टफ जाता है ध्यान समझना जो तुम्हारा जवाब है अजय वीर सिंह पेपर टफ आता है यदि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते तो आपके कट ऑफ जो होगा वो बहुत कम जाएगा मान लो सौ में जाता कट ऑफ कितना बीस चालीस पचास यदि सौ में कट ऑफ नाइनटी प्लस जा रहा है तो इसका मतलब पेपर इजी है मेरी बात समझ पा रहे ना पेपर आसान आता है तभी रेलवे का कट ऑफ ज्यादा जाता है एक्यूरेसी पे पूरा का सब डिपेंड होता है इसमें प्रथम सबसे आभास संख्या कौन सी है एक प्रथम आभास संख्या यही होती है देखो दो तीन पांच सात डॉट 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 पहले आभास संख्या एक ये होती है और ध्यान समझना आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाए ऐसी सम, सम अभाज्य संख्या भी है तो वो दो ही होती है ऐसी सम संख्या जो अभाज्य होती है वो दो ही होती है क्लियर है सभी लोग बेटा लाइक भी करते जाओ अगला क्वेश्चन आपका ये जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो इनमें से कौन सी आभाष संख्या है जल्दी से इसको ट्राई करो थर्टी सेकेंड है और भी क्वेश्चन आएंगे अभी नंबर सिस्टम के ही ट्राई कर रहे बेटा अभी नंबर सिस्टम के ही हम लोग ट्राई कर रहे हैं है। अगले क्लास में हम लोग और भी टाइम एंड वर्क प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसे ट्राई करो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग बताओ ट्रेन से रिलेटेड करा दें टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जल्दी से इसको बताओ निम्नलिखित में कौन सी भाषा संख्या है अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये आपका रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था इसमें कि आपका देखो यह नंबर किसी से विभाज्य नहीं होता एक सौ तैतीस एक है एक सौ तैतीस किसी से अभाज्य नहीं होता क्लियर है ना अगला क्वेश्चन आपका यह इसको ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा निम्नलिखित में पांच अंक की कितनी संख्याएं संभव हैं जल्दी से ट्राई करो देखो आपसे थर्टी सेकेंड है बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया आप देखो ट्राई करो बीस सेकेंड है जल्दी से बताओ बेटा क्या आएगा देखो बेटा यहाँ पे कभी भी एन अंकों की संख्याएं निकाली जाए जैसे एन अंकों की संख्या कितनी होती है एन बराबर नाइन गुड़े टेन की पावर एन माइनस वन ये फार्मूला नोट कर लेना यहाँ पे पांच अंक है तो पांच अंक में हम क्या लिखेंगे नौ गुड़े टेन की पावर फाइव माइनस वन तो नाइन गुड़े टेन की पावर फोर तो नाइन इस टू एक दो तीन चार आपका ये उत्तर आ जाएगा ये फार्मूला नोट कर लेना एन अंकों की संख्या एन माइनस वन हो जाता है ध्यान समझे ना ये फॉर्मूला नोट कर लेना एन माइनस वन नाइन गुड़े टेन जैसे छह अंकों की संख्या हो जाता यहां एन नाइन गुड़े टेन की पावर नाइन क्लियर है कि नहीं बोलो हाँ कि ना मुते अपने अगले क्वेश्चन पे बच्चों अगला क्वेश्चन आपका ये इसको ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा इसे ट्राई करो इसे मैं थोड़ा सही कर देता हूं एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस बराबर तीन का स्क्वायर ये बराबर है ये एक का स्क्वायर प्लस छह का स्क्वायर प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं तीस का स्क्वायर ये तीस का स्क्वायर कर लेना है टाइप गलत हो गया है बराबर इकतीस का स्क्वायर बराबर छह का स्क्वायर प्लस सात ये क्वेश्चन सही कर लेना बेटा ट्राई करो जल्दी से क्या आएगा हार्ड क्वेश्चन बेटा कराएंगे सब करा रहे हैं हार्ड क्वेश्चन भी आ गया ट्राई करो सीरीज का आ गया क्वेश्चन देखो जैसे हम इसको लिखते हैं एक का स्क्वायर एक प्लस दो का स्क्वायर चार प्लस नौ। नौ तीन का लिख रहा है ऐसे ही देखो ये क्या कुछ बन रहा है उनचास है फिर, कितना है। फिर बताओ बयालीस का स्क्वायर कितना होता है बेटा बयालीस का स्क्वायर करोगे तो बयालीस का स्क्वायर कितना होता है बच्चों जल्दी से बोलो बयालीस का स्क्वायर कितना होता है चार चौको सोलह तो या सत्रह सो चौसठ और इसे ऐड करोगे नौ चार तेरह तेरह छह उन्नीस मतलब वन एट फोर नाइन ये किसका स्क्वायर होता है ये फोर्टी थ्री का स्क्वायर होगा 43 के के स्क्वायर बराबर है ऑप्शन ए बोलो कि ना हा पे कई लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया अच्छा आप सभी लोग लाइक करते जाओ बेटा ठीक है आप सभी लोग लाइक भी करते जाओ इसी तरीके से आप इसको इकतीस का करोगे छह पांच ग्यारह इक्कीस ठीक है अगला क्वेश्चन देखो इसको ट्राई करो सौ तक सभी विषम संख्याओं का योग बताना है मैंने विषम संख्याओं का योग क्या बताया तो सौ तक सभी विषम तक विषम संख्याएं होती कितनी है जल्दी से बताओ भाई सौ तक विषम संख्याएं होती कितनी है हमने आपको बताया था बेटा बताओ जल्दी से पचास होती है और विषम यदि पचास होती है तो स्क्वायर सम क्या होता है भाई सम क्या होगा देखो चास इक्यावन तो ये एवरेज भी तो होता है या नंबर भी होता है यही अभी बताया था स्टार्टिंग में तो इसका सम क्या आ जाएगा पच्चीस सौ आ जाएगा कि नहीं कौन सा ऑप्शन ऑप्शन आपका बेटा कौन सा राइट आंसर क्लियर हुआ कि नहीं बोलो हाँ ना? समझ गए ना सर दोबारा समझाओ कौन सा क्वेश्चन दोबारा समझना है बेटा इसके पहले वाला इसमें क्या था देखो एक का स्क्वायर एक दो का स्क्वायर चार दो का स्क्वायर चार 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 आठ एक नौ नौ जो है तीन का स्क्वायर है ना ये तीन का स्क्वायर ही तो नौके छक्तर छत्तीस सात का स्क्वायर का स्क्वायर सत्रह चौसठ इन सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा अठारह सोचास अठारह स्क्वायर होता है फोर्टी थ्री का स्क्वायर होता है क्लियर है अगला क्वेश्चन आपका ये जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो अंतिम अंक बताना है इसका भाई इसको तो आंख मूंद के आप बता सकते हो आंसर जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा आंसर क्या आएगा बेटा जल्दी से बताओ What should be correct answer? विषम संख्या कैसे जोड़ेंगे बेटा आपको विषम संख्या जोड़ने का तरीका वही है कि देखो आपको इस तरीके से बेटा कोई भी संख्या हो सम हो विषम हो तो सम का फार्मूला यही होता है एन बाई टू फर्स्ट प्लस लास्ट ये होता है बेटा ये फार्मूला आप किसी में भी लगा सकते हो समझ गए ना आप किसी में भी अच्छा आप सभी लोग वीडियो जरूर लाइक करते जाओ यहां इकाई का अंक तो ग्यारह की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक तो वही आएगा भाई राइट आंसर right सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया अगला क्वेश्चन ये जल्दी से इसको ट्राई करो क्या आएगा एक से लेके बत्तीस तक सम संख्याओं का योग बताना है इसका आंसर बताओ बेटा क्या आएगा फटाफट बताओ जल्दी से बताओ व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर यूपी स्पेशल बाई सहनी अब क्या बताएं बेटा इतने घटिया क्वेश्चन भी लोगों से नहीं सॉल्व होते हैं पेपर में क्या तन्मय बेटा क्या क्वेश्चन है तन्मय बोलो एक से बत्तीस तक सम संख्याओं का योग कितना होगा तन्मय अपना क्वेश्चन तो पूछो बेटा योग पूछा योग अरे तनमय आप आंसर तो क्वेश्चन तो पूछो मेरे भाई क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो कैसे बताएंगे बताओ जल्दी से सभी लोग कमेंट करो एक से लेके बत्तीस तक सम संख्याएं कौन सी होंगी बताओ कौन सी होंगी देखो एक से लेके बत्तीस एक तो आप लोगे नहीं के बीच पूछा है बत्तीस लोगे नहीं तो आप दो से लेके तीस तक ही तो लोगे दो प्लस चार प्लस छ प्लस आठ डॉट डॉट तो दो दो के गैप पे चल रही तीस तक संख्या है तो नंबर कितने होंगे पंद्रह होंगे कि नहीं तो एन नंबर कितने होंगे पंद्रह दो दो के गैप में चल रही पंद्रह होंगे कि नहीं एन नंबर बोलो हाँ कि ना क्या बत्तीस बीच वर्ड समझो बीच भाई बत्तीस को नहीं लेना बीच वर्ड समझो साहनी बेटा लेवल हाई आपको अगली क्लास सैटरडे संडे मिल जाएगा बहुत हाई लेवल के चक्कर में आप ऐसा ना हो कि जो आपको आता है देखो तो एक बात मैं बता दूं कोई भी पेपर उठा के देख लेना 2013 से पढ़ा रहा हूं बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट भी हुए एक चीज ध्यान रखना पेपर आपका केवल 10 परसेंट ही क्वेश्चन बहुत टफ डाले जाते हैं समझ गए ना नहीं तो भाई रेलवे का इतिहास गवा रहा है कट ऑफ ग्रुप डी का आप देते हो बताओ ग्रुप डी में कितना कट ऑफ जाता है सौ में सभी लोग कट ऑफ बताओ लास्ट ईयर का कितना था बताओ सभी लोग सौ का सौ में कट ऑफ कितना था ग्रुप डी का लास्ट ईयर सैनी भाई तुम ही बताओ आप शायद पढ़ाते भी होंगे बताओ कितना जाता है बेटा इकतीस सम संख्या नहीं है ना पूनम त्रिपाठी सम संख्या तीस होगी ना इकतीस सम संख्या नहीं है हमें सम संख्या लेनी है इवेन नंबर बताओ सौ में कट ऑफ कितना जाता है ग्रुप डी का जल्दी से बताओ बेटा लास्ट ईयर जो गया था कितना गया था सेवेंटी फाइव बता रहे जनरल को बताना बेटा नाइनटी गया था नाइनटी टू के आसपास कुछ लोग बात बयासी बता रहे हैं और कुछ लोग इकसठ पचहत्तर सबका अलग अलग पचहत्तर प्लस बता रहे हैं अस्सी बयासी सौ क्वेश्चन में बयासी कट ऑफ जा रहा है मान लो बयासी तुम ले लो लास्ट ईयर का ठीक बयासी मान लो बहुत हाई पेपर किसी के ये, बोर्ड का पड़ गया तो वो टफ हुआ के छिहत्तर चला गया मगर सबका पचहत्तर प्लस था अच्छा पचहत्तर प्लस होने में मान लो उसके पचीस क्वेश्चन किस में मैथ्स में गलत हुए होंगे इंग्लिश में भाई मैथ्स इजी इजी नहीं इजी आता है सिर्फ सिर्फ टफ जो आता है आपका केवल केवल टफ आता है तो जीके जीएस में पूछ लेता उन्हीं में आप पच्चीस क्वेश्चन नहीं कर पाते हो समझ गए ना मिसलेनियस मैथ्स टफ नहीं आता रेलवे का टफ मैथ्स एस का आता है एस एस का पढ़ो समझ गए ना कट ऑफ के चक्कर में टफ के चक्कर में भाई अपना पेपर मत खराब कर लेना ज्यादा मैथ पढ़ लोगे आ गई साइंस तो, अब मेरी बात समझो लड़के क्या गलती करते हैं पढ़ते रहते हैं मैथ तो मैथ्स का टीचर हूं मैथ्स को वही पढ़ो जो आ रहा है फालतू की चीजों में टाइम पर बात करोगे हाई लेवल हाई लेवल आना दो क्वेश्चन है एक लड़का आई टी की तैयारी कर रहा था बहुत अच्छा मास्टर था पढ़ता गया आई पढ़ाता गया आई उसको छ महीने पढ़ाई गई ईटी में छह महीने आई पढ़ाई गई बहुत हाई लेवल की आई बहुत हाई लेवल बहुत हाई लेवल अब मार्क्स आया कितने एग्जाम में दो मार्क्स का एक क्वेश्चन आया छह महीने की पढ़ाई दो मार्क्स के लिए तुम एग्जाम में पढ़ रहे हो तो कौन सा तीर मार रहे हो मेरी बात समझ में आ रही ना पढ़ाई वो करो जो एग्जाम में काम आनी पढ़ाई वो मत करो जो आपको फालतू का ज्ञान बांटने में काम आ रही है एग्जाम में आने वाली पढ़ाई करो सेलेक्ट हो मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई वो करो जो एग्जाम में आनी है मेरी बात को समझ रहे होगे भाइयों आप लोग तो मैं आपको वही करा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर है <coughs> नहीं मैं कराने लगता अभी मेंस के आके क्वेश्चन मैं कराने लगता अभी एस एस सी सीजल मेन्स का एक दो क्वेश्चन डाल देता बोलता देखो इस तरीके का उस तरीके का अरे दो क्वेश्चन छोड़ आना यदि टफ आता है छोड़ आना मत करना उस दो क्वेश्चन को छोड़ दोगे ना बाकी कर दोगे सेलेक्ट हो जाओगे भाई मैं हमेशा एक बात कहता हूं देखो एक लड़का आता है सुनना मेरी बात को एक लड़का आता है कहता है सौ में कितने अटैम्प किया उसने कहा सर हमने किए अटैम्प। एक लड़का आया कहना सर सौ में कितने नाइनटी एट अटैम्प किए हमने तो तीस मार लिया भाई तीस उन्होंने तीन मार लिया रोया रो इसे रो रो खुश हुआ, हुआ ऐसे ऐसे बिल्कुल नाक चढ़ा के हमने देखो ये लड़का खुश हो गया समझ गए ये लड़का खुश हो गया अब रिजल्ट की बारी आई कब आई रिजल्ट की बारी आई अब इसमें एक्यूरेसी की बात की गई किसकी एक्यूरेसी की पड़ोसी ने पूछा रिजल्ट बताओ पहले पड़ोसी ने इसको खूब करिया बोलो बहुत कम नंबर करके आया ये बहुत ज्यादा जब पड़ोसी पूछा इससे एक्यूरेसी की बात की तो इसने बोला सर मेरी एक्यूरेसी 98 है इसकी एक्यूरेसी क्या हुई इसकी 78 हो गई बताओ फेल कौन पास कौन जल्दी से आप डिसाइड करो आप बताओ कौन फेल कौन पास बेटा कौन फेल कौन पास जल्दी से बताओ पास ये होगा फेल तो ये होगा मेरी बात समझ गए कि नहीं बेटा मैं उतनी देर से तीन चार लोगों की कमेंट देख रहा हूं उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरी बात समझ में आई हो भाई सही डायरेक्शन में हो जाओ सेलेक्ट हो जाओगे ने पंचवर्षीय योजना चलती है पांच साल तक लगे रहो पढ़ाई में कह रहा नाइनटी एट बताओ सेवेंटी एट वाला पास होगा ना मैटर ये नहीं करता है कितने क्वेश्चन करते हो मैटर ये करता है कितनी एक्यूरेसी से करते मेरी हो मेरी बात समझ गए होगे बच्चों अब बात पसंद आई हो समझ में आई हो तो लाइक करना इतने का एडिट करके शेयर कर देना और बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ठीक है मेरी बात समझे और बच्चे भी मोटिवेट हो जाएंगे तो बात समझना मेरी बात को मेरे भाई आपको एक्यूरेसी पे डिपेंड करना है कि आपको मार्क्स पे डिपेंड करना है आपको जितना भी करना है सॉलिड करना है नहीं करना तो दो क्वेश्चन छोड़ आओगे कठिन वाले चार क्वेश्चन छोड़ आओगे तो का फेल हो जाओगे नहीं छोड़ दो टाइम बर्बाद हो रहा है समझे ना मेरी बात को भाई कुछ लोगों को बुरी लगी हो तो मैं समझ गया ना भाई देखो कुछ लोग बुरी लगे तो आप लोग दो रोटी ज्यादा खा लेना मगर सत्य यही है सत्य से आप लोग अनभिज्ञ होने सत्य यही है यही परम सत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन ये है बताओ इसमें कौन सी परिमेय संख्या है पोल आपका ये यहीं पे आज इंड करेंगे हम भावुक कर दिया मुझे यार तुम लोगों ने ये फिर घंटा गया यार परेशान है घंटे से ये कहा हो गया हाँ आ गया टाइमर दे रहे हैं पूरी स्पीड मेरी बिकार कर दी आप लोगों ने जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर क्वेश्चन इंग्लिश में भी आ जाएगा बेटा देखो आपको मेरे बारे में सर्च करना है आप सर्च करके आप लोग पढ़ लो उसमें बहुत सारे हाई लेवल के क्वेश्चन कराए हैं ठीक है थीके? बहुत सारे मेरा नाम नितिन तिवारी आप लोग उसमें देखोगे बहुत हाई हाई लेवल के क्वेश्चन है इसमें मैंने अभी क्या है वही देखो वही चीजें देखो बस देखो बेटा कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये क्या है परिमेय संख्या है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बोलेंगे इसको मैं बता दू ये परिमेय संख्या नहीं है ना ये है ना ये है परिमय संख्या ये है जो हम a बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं b डज नॉट इक्वल टू जीरो सो हम इसे परिमेय संख्या बोलते हैं जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर अब एक बात समझो ये नंबर ये रिपीटिंग है क्या फिर वन जीरो, फिर वन ट्रिपल। दोस्तों, आप लोग तो लो फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो जितने भी कोर्स आपके लॉक है वो तो सारे अनलॉक हो जाएंगे यदि आप हैं यदि आप सब्सक्रिप्शन चाहते हैं या प्लस कोर्स चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा प्लस कोर्स पर करना होगा जो कि आपको 1 ईयर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन दे रखा है 1 ईयर 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है दोस्तों यदि आप रेफर कोड इतने यूज करते हैं वैसे आप लोगों का जो ये कोर्स प्राइस है बहुत ही बहुत ही बहुत ही चीपस्ट है क्योंकि इतने में तो भाई मार्केट में आप लोग वो खरीद पाते हैं इतने में तो आपको वीडियो क्लासेस आपको पीडीएफ आपको बुक्स के सारे जो नोट्स हैं वो एक सिंगल वीडियो में मिल जाते हैं तो दोस्तों इसे आज ही परचेज करें